हेलो हेलो, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जेनिक एजुकेशन। दिस इज रविन जांगिड हियर, योर इलेक्ट्रिकल फैकल्टी। सो एक बार बच्चों, आप लोग फटाफट मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि मेरा ऑडियो वीडियो आप लोगों तक प्रॉपरली पहुंच रहा है, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का फटाफट सेशन। ठीक है, गुड इवनिंग। अच्छा, बच्चे आ चुके हैं सब। गुड इवनिंग श्वेता, बबली, जय, लुकेश, मोस्ट प्रोबेबली सभी आ चुके हैं, है ना। रूपा रानी, श्वेता, जय कुमार जी, सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और बच्चों आ जाइए फटाफट, और जितने भी लोगों तक है सबको शेयर कर दीजिए। आई हाई आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हाई रेजिस्टेंस मेथड को मेजर करने के तरीके पढ़ेंगे, है ना। और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ। ट्राई किया है कि डिफरेंट तरीके से मैं आप लोगों को क्वेश्चन पहुँचा सकूँ। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस अप्रॉक्स मैंने रखे हैं। ओके, तो आज की थ्योरी जो रहेगा, आज लेक्चर नंबर 3 है। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो पहले सुन लीजिए क्या क्या आज मैं कराने वाला हूँ। लेक्चर नंबर 3 में हाई रेजिस्टेंस मेथड से रिलेटेड हम बात करेंगे, जो अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर, ठीक है, जो लेगा, या मोस्टली 45 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकता है। ठीक है, उसके बाद मैं 20 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ जो फटाफट चलेंगे, और ट्राई करेंगे कि 30 मिनट्स के अंदर एनी हाउ मैं 20 क्वेश्चंस आप लोग को प्रॉपरली करा सकूँ। पूरे डायग्राम्स वगैरह के थ्रू हर चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आराम से 1 से 1.5 घंटे के अंदर हर एक चीज़ कवर हो जाएगी जो एक्चुअली आप जानना चाहते हैं एग्जामिनेशन के लिए। ओके, सो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, क्या हालचाल भाई सब लोगों को, है ना। एक चीज़ है कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे कल और परसों की, है ना, 2 दिन की PDF ऑलरेडी मैंने अपडेट कर दी है। तो ऐसा कोई बच्चा है जो वहाँ से मैंने फाइल डाउनलोड नहीं कर पाया है, तो एक बार जाके विजिट कर लीजिए, वहाँ पे मैंने अपडेट कर दी है, तो वो भी डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चंस बहुत अच्छे फ्रेम्ड थे। सेकंड थिंग, मैं ये जानना चाहता हूँ कैसा लग रहा है अभी तक के सेशन। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो कुछ पॉजिटिव फील हो रहा होगा। बहुत सारी चीज़ आप लोगों के नए तरीके से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को क्वेश्चंस करा सकूँ। PDF मिल गया, ओके, PDF मिल गया। PDF नहीं मिले सर। अरे डियर, टेलीग्राम चैनल पे, जेनिक AEJEE की जो टेलीग्राम चैनल है उस पे आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। और दोस्तों जितने भी लोग प्रेजेंट हो यहाँ पे, फटाफट है ना सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, स्ट्रेंथ डाउन नहीं होनी चाहिए, जो स्ट्रेंथ पहले दिन मेंटेन थी उससे बेटर और बेटर जानी चाहिए स्ट्रेंथ, है कि नहीं। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कौन सा टेलीग्राम पे यार, देखो टेलीग्राम ऊपर आपको दिया हुआ है, ब्लू कलर का पिन देख रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे वो आपको ना ऑलरेडी है ना प्रोवाइडेड है टेलीग्राम की लिंक, तो वहाँ से जाके यार फटाफट ज्वाइन कर लो। जेनिक AEJEE पर है, और मीडिया में जाओगे ऊपर तो उसमें आपको मिल जाएगा कि कल की कुछ PDFs मैंने अपडेट करके रखी हैं, मेजरमेंट AEJEE Lecture 01, Lecture 02, ऐसे करके मैंने दिया है, ठीक है। डन डना डन, चलो चालू किया जाए, आगाज किया जाए। तो फुल जोश एक बार मेरे को दिखा दो, पूरा का पूरा जोश दिखा दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और बड़ा मज़ेदार सेशन है, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस मेथड आप लोग पढ़ते तो हो, पर उस तरीके से नहीं पढ़ते जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। विश्वास नहीं है तो आधे घंटे मेरे साथ टिकी और आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सी नई चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बहुत छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आप लैक करते हो, ऊपर से पढ़ के चले जाते हो, नाम पता होता है, थोड़ा सा काम पता होता है, पर एक्चुअली मेन इंपॉर्टेंट की जो उसका काम है वो आप वहाँ पे लैक कर जाते हो। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को इंक्लूड करके दूंगा, ठीक है। तो मतलब फुल जोश है, मतलब क्या कहते हो, स्टार्ट किया जाए। सो स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट थोड़ी सी अपने बारे में और अपने जेनिक फैमिली के बारे में बता दिया जाता है कि भैया टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लो, चैट पे आपको इसके पिन कर दी गई है, ओके। एंड दिस इज़ आर लर्निंग ऐप, इस लर्निंग ऐप के थ्रू आप PDF फ्री क्लासेस एंड मॉक टेस्ट एंड AEJEE एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप एक बार विजिट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं धनाधन। एक स्लाइड पे हम लोग बिल्कुल कोई भी स्लाइड चलेगी उसको पहले से अच्छे से समझेंगे, मेरी पूरी बात सुनना, है ना, पक्कान खोल के बिल्कुल अच्छे से रखो, और साथ ही साथ, है ना, आंखें स्क्रीन की तरफ गड़ा के रखो, हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम ये समझेंगे कि हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं। लो रेजिस्टेंस के लिए हमने तरीके पढ़ लिए, ठीक है, मीडियम रेजिस्टेंस के लिए भी तरीके पढ़ लिए, अब हाई रेजिस्टेंस के तरीके पढ़ना है। तो मुझे कोई एक पहले तो, है ना बच्चों, ये फटाफट मुझे बता दो कि हाई रेजिस्टेंस मेथड को, यदि हम ये मेथड नाम लिखा है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाई रेजिस्टेंस की रेंज क्या होती है, लो की, मीडियम की एंड हाई की रेंज जो है वो ऑलरेडी बताई हुई है, हाई रेजिस्टेंस की रेंज कितनी होती है जल्दी से मुझे बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सिद्धू भाई, क्या हाल चाल, फटाफट फटाफट मुझे बताते जाओ, ठीक है।
हाई रेजिस्टेंस की रेंज क्या होती है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और लॉस ऑफ चार्ज मेथड, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन में, डायरेक्ट एंड डिफ्लेक्शन ये कैसा हो गया, दैट इज अ डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, मेगर एंड द मेगा ओम मीटर है ना, मोर देन द 100 ओम, गलत बेटा, गलत गलत, अरे मेगा ओम, मेगा ओम, अरे यार कैसे मेगा ओम होता है, एक्चुअली मोर देन 100 किलो ओम से ज्यादा वैल्यू होती है तो आप क्या बोलते हैं, हाई रेजिस्टेंस मेथड। यार कहाँ छोटी छोटी बातों में आप लोग लैग कर रहे हो, यार कैसी बातें कर रहे हो। लो के लिए मैंने क्या बताया था, लो के लिए मैं बताया था 1 ओम से कम की वैल्यू, इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए, 1 ओम से 100 किलो ओम, कैसी गलतियां कर रहे हो। और फिर मीडियम और हाई के लिए 100 किलो ओम से ज्यादा की वैल्यू हुई है कि नहीं, ये मीडियम के लिए होती है, ये आपकी हाई के लिए होती है, तो ये तो बेसिक चीज है, 100 किलो ओम, मोर देन 100 किलो ओम, एग्जैक्ट रेंज तो 100 किलो ओम है ना, समझ रहे हो मेरी बात, एग्जैक्ट जो रेंज है वो तो 100 किलो ओम है, समझ रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो कि उसे मेगा ओम, अरे भाई मेगा ओम होती है तो वो तो 100 किलो के ऊपर तो वैसे भी मेगा ओम जाने वाली है, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस मेथड में हम इंसुलेशन की प्रायोरिटी देते हैं ना, तो इंसुलेशन मतलब इंसुलेशन वैसे ही मेगा ओम में जनरली मेजर किया जाता है, मेगा ओम वैल्यूज है ना। तो यहां से क्या, किस तरीके से इतना कंफ्यूज कैसे हो गया यार है। और दोस्तों सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, पूरा एफर्ट लगाया जा रहा है, तो आप लोग ऐसे मत करिए कि बिल्कुल ठीक है कि भाई को कोई बिल्कुल एक लाइक और शेयर भी नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो बिल्कुल अच्छे से आप लोग भी थोड़ा इंगेजमेंट दिखाइए, आप लोग भी एफर्ट दिखाइए, मैं तो दिखाऊंगा ही 100%, आप लोगों के लिए जी जान लगा देंगे। तो चलिए चलते हैं, एक तो पहली है लॉस ऑफ चार्ज मेथड, द फर्स्ट मेथड जो है लॉस ऑफ चार्ज मेथड है, दूसरी है डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, तीसरी है मेगर, और चौथी जो है वो मेगा ओम मीटर है, ठीक है। ओम मीटर को जब हम इंसुलेशन के लिए यूज करते हैं तो मेगा ओम मीटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसी में सब कुछ कवर हो जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चालू करें। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट लॉस ऑफ चार्ज मेथड। सो व्हाट इज एक्चुअली द लॉस ऑफ चार्ज मेथड, लॉस ऑफ चार्ज मेथड में क्या होता है, लॉस ऑफ चार्ज, पहले तो ये वर्ड ही समझ लो, जो जो चीज यहां पे दी गई, मतलब यहां पे चार्जेस के लॉसेस हो रहे हैं। अब चार्ज लॉस कैसे हो सकता है, ठीक है, इसका हमने एक सर्किट डायग्राम जो यहां पे दिया गया, फटाफट चलेंगे, अभी हम लॉस ऑफ चार्ज मेथड से रिलेटेड हर एक चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लॉस ऑफ चार्ज मेथड में क्या हो रहा है कि आपके वोल्ट, ठीक है, यहां पे वोल्ट मीटर लगा है, कैपेसिटर यहां पे लगा हुआ है, और पैरेलल में रजिस्टर लगा हुआ है, मतलब समझ गए, दिमाग में याद रखना, वोल्ट मीटर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर तीनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। इनिशियली स्विच को क्या रखा गया, ओपन रखा गया, दिस इज द ओपन, देन फिर ये क्या किया गया, क्लोज किया गया, ठीक है। स्विच का देख लीजिए, मूवमेंट देख लीजिए, तो ऊपर से ये नीचे की तरफ आ गया, मतलब पहले ओपन था फिर बाद में क्लोज किया गया, बोलो हाँ, पहले ओपन था फिर बाद में क्लोज किया गया। सर मेगर के लिए कितना वोल्टेज होना चाहिए, मैं सब बता दूंगा डियर, अभी एकदम से आप कहाँ कूद के जा रहे हो, मेरे को एक बार बताने दीजिए, आप मेरी टेस्टिंग मत करिए, आप लोग आराम से बैठिए, ठीक है, आराम से समझने की कोशिश करिए, आपको पूरी चीज़ मैं समझा दूंगा, तो एक वन बाई वन चलेंगे तो मेरे लिए भी ईजी रहेगा और बाकी बच्चों के लिए भी रहेगा, ठीक है, बाकी आपका जवाब लास्ट तक मिल जाएगा आपको, पूरा टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो लॉस ऑफ चार्ज जो मेथड होती है वो इस तरीके का डायग्राम होता है, बोलो हाँ समझ में आया। ये जो वोल्टेज कहलाता है बच्चा, ये वो सप्लाई वोल्टेज कहलाता है, ये जो है वो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है, इसीलिए मैंने इसको VC से डिनोट करके रखा है, दिस इज अ सिंपल कैपेसिटर एंड दिस इज अ रजिस्टर, ठीक है। और इसका ये ग्राफ देखने को मिलता है, यहाँ पे दो कंडीशन होती है, पहले यदि हम इनिशियली की बात करते हैं तो ये जो कैपेसिटर है वो आपका चार्ज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कैपेसिटर आपका चार्ज होता है, जैसे ही तुमने स्विच क्लोज किया तो ये सर्किट यहाँ पे क्लोज हो गया, डन है, तो ये कैपेसिटर है धीरे धीरे चार्ज होना लगता है। ऐसा कहने का ऐसा भी मतलब समझ लो कि तुम लोग कि जैसे मान लीजिए कि बहुत तेज भूख लगी है ना, बिल्कुल एक्सरसाइज वगैरह करके आया, वो मन कर रहा है कि आप दबा के ना खाना खाया जाए, तो क्या करेंगे हम, रोटी वोटी है ना पहला चालू करेंगे, बोलिए रोटी खाया, चावल खा लिया, मतलब समझ लो, तो धीरे पहले वीकनेस आके रखी है, भैया 2-3 दिन से उपवास करके रखे हैं, वैसे ही अभी व्रत वगैरह सब लोग कर ही रहे हैं, तो बड़ा वीकनेस टाइप की आ जाती है, खाना खाते हैं तो धीरे 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 एनर्जी बढ़ती है, समझ लो, जब कैपेसिटर चार्ज होता है ना तो ये कैपेसिटर धीरे 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 ऐसे और एक पॉइंट के आने के बाद, और अप्रॉक्सीमेटली जो होता है वो 5 टाइम कॉन्स्टेंट टू 6 टाइम कॉन्स्टेंट, बेसिक इलेक्ट्रिकल जो हम पढ़ते हैं उसमें ये चीज़ देखी जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक ये ट्रांजिएंट पीरियड होता है, और इसके बाद आपको देखने को मिलता है ट्रांजिएंट पीरियड के बाद आपको देखने को मिलता है स्टडी स्टेट पीरियड। अच्छा ये एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो भी चीज़ निकलती है वो हमारी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से निकलती है, तो उसमें है ना एक पार्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंड पर्टिकुलर,
तो उसी से रिलेटेड है। तो पर्टिकुलर वाला ये पार्ट कहलाता है यदि मैथमेटिक्स की बात करो, और ये कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। शायद थोड़ा बहुत पता हो, तो नहीं पता है तो बहुत अच्छी चीज़ जान गए हो, ठीक है। तो समझते हैं, तो यहाँ से वो चार्ज किया। अब एक समय के बाद अब मैंने क्या किया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब मैं क्या करेंगे, अब हम कहेंगे आज तो है ना, ठीक है, थोड़ा सा अब क्या करते हैं, थोड़ा सा है ना भाई लोगों से थोड़ा मस्ती वस्ती करके आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा काम वाम करके आते हैं, दोस्तों से थोड़ा सा है ना बकैती मार के आते हैं। तो धीरे 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 मेरे एनर्जी है ना ड्रॉप होने लगी, एंड आफ्टर सम टाइम इट रीचेस टू सम जीरो वैल्यू, अप्रॉक्सीमेटली जीरो वैल्यू, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग कर्व है, तो ये जो कर्व कहलाता है वो आपका चार्जिंग कहलाता है, और ये वाला जो कर्व है उसे हम डिस्चार्जिंग बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आए बच्चों, बोलो हाँ हाँ बोलो, ठीक है। तो इनिशियली कैपेसिटर सोर्स का यूज़ करके, मतलब रोटी का यूज़ करके चार्ज होता है, ताकत आ चुकी है पूरी, ठीक है। अबे तुम्हारी लिमिट तीन रोटी की है, चार रोटी की है, पांच रोटी की है, अब इसके बाद ज़्यादा खाओगे तो सेचुरेशन नहीं आएगा, तुम बोलोगे ना भाई माफ़ करो आज इतना ही हम खा पाएंगे, तो पांच लिमिट के बाद सेचुरेशन आ गया। देन फिर आप क्या करते हो, देन यही जो कैपेसिटर है उसको हम डिस्चार्ज करते हैं, यही कैपेसिटर जो है उसको हम डिस्चार्ज करते हैं इस रेजिस्टेंस के थ्रू जिसको हमको मेज़र करना है। ये वही रेजिस्टेंस है जिसको हमको मेज़र करना है कि कितनी हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है, कितनी हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है। सो डिस्चार्ज थ्रू दिस रेजिस्टेंस आरटी, इसको टेस्ट रेजिस्टेंस बोल दीजिए। अभी समझना, बहुत प्यारी चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला चार्जिंग हुआ और फिर डिस्चार्जिंग हुआ, पहले क्या हुआ चार्जिंग हुआ फिर डिस्चार्जिंग हुआ, एंड यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, अच्छे से देख लो ये फॉर्मूला, ठीक है, हो जा भाई जूम हो जा। हाँ तो ये फॉर्मूला दिखा, वी सी टी इज इक्वल टू वी ई की पावर माइनस टी बाई टाउ लिखा हुआ है, ठीक है। टाउ मतलब क्या होता है, ठीक है, टाउ मतलब क्या होता है, टाउ मतलब आपका टाइम कांस्टेंट, दिस इज द टाइम कांस्टेंट, ये क्या है टाइम है, ठीक है। तो यदि हम टाइम की बात करेंगे तो ये हो गया, और ये टाइम कांस्टेंट की बात करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया, समझ रहे हो, ये चीज़ समझ में आई। तो टाइम और टाइम कांस्टेंट, टाउ मतलब आर इंटू सी, है ना, टाइम कांस्टेंट कितना होता है आर मल्टीप्लाइड बाय द सी। फिर उसको हम क्या करते हैं, उस जो रजिस्टर के थ्रू है, जिस रजिस्टर की वैल्यू तुमको मेजर करनी है, उस रजिस्टर को हम क्या करते हैं, उस रजिस्टर के थ्रू हम उसको डिस्चार्ज होने देते हैं। कहो तो क्या हुआ सर, अरे बेटा बहुत बढ़िया चीज़ मिल गई, वी सी टी इज इक्वल टू वी जो सप्लाई वोल्टेज है, वी है ना कैपिटल वी, ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी माइनस टी। अब दोनों साइड क्या लो, इस वी को इधर पलट दो, तो आपको कैसा रिलेशन मिलेगा, वी सी डिवाइडेड बाई वी ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। थोड़ी सी भी यदि मैथमेटिक्स की बुद्धि है तुम्हारी चल रही है, तो तुम यहाँ पे कुछ लॉग वाली चीज़ लगा लोगे, है ना, दोनों साइड नेचुरल लॉग लोगे, क्या लोगे बेटा नेचुरल लॉग लोगे, नेचुरल लॉग लेने का ये मतलब है एलन, नेचुरल लॉग लेने का मतलब है एलन। और यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आता है जिसे हम इंसुलेशन रजिस्टर बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साउंड में इसका एक क्वेश्चन भी दिया हुआ जो मैं आप लोगों के लिए लेके भी आया हूँ, और एक एग्जामिनेशन में पूछा, लॉस ऑफ चार्ज से रिलेटेड है, वो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। सो फर्स्ट फॉर्मूला इज नथिंग, फर्स्ट फॉर्मूला इज नथिंग, अरे बेटा तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, टी इंटू सी एल एन कैपिटल वी, कैपिटल वी मतलब, कैपिटल वी मतलब सप्लाई वोल्टेज, कैपिटल वी मतलब यहाँ पे देख सकते हो सप्लाई वोल्टेज, डिवाइडेड बाई वी सी, ठीक है। इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है, इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है टी डिवाइडेड बाई, यदि शायद दिख नहीं रहा हो तो यहाँ से देख लीजिए, टी डिवाइडेड बाई, ठीक है, मल्टीप्लाइड में यदि हम लॉग है ना नेचुरल लॉग को कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, लॉग बेस 10 पे, दो लॉग होते हैं ना, नहीं समझ में, दो लॉग होते हैं ना, ठीक है, लॉग दो, लॉग के दो फंक्शन होते हैं, एक तो लॉग बेस ई होता है जिसे हम एलन के नाम से जानते हैं, ठीक है, तुम्हारे कैलकुलेटर में देखने को मिल जाएगा, और लॉग बेस 10 बोलते हैं, दो लॉग होते हैं, इतनी चीज़ समझ में आई। तो कहने का मतलब है यदि मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो, ठीक है, इसको यदि मैं कन्वर्ट करूँगा तो आर इंसुलेशन, इंसुलेशन है ना, और इसी का यूज़ करना है, टी मल्टीप्लाइड बाई 0.4343 डिवाइडेड बाई सी एल एन वी डिवाइडेड बाई वी सी, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला है ना रट्टा मार लो, ठीक है, ये तुम्हारी क्या हो गई ब्रह्म ज्ञान जो होता है वो ज्ञान मिल गया, ब्रह्म ज्ञान आपको बेटा मिल चुका है, क्या बेटा मिल चुका है, ब्रह्म ज्ञान मिल चुका है आपको, समझ में आ रहा है। सॉरी सर घर के स्विच बोर्ड का फॉल्ट हो गया, हाँ आज तो मेरे को भी डर लग रहा है क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना बाहर, तो बिल्कुल वो क्या बोलते हैं कि खतरनाक बिजली कड़क रही है, ठीक है, अब मेरे को भी ये डर लग रहा है कहीं बीच में कुछ फॉल्ट ना आ जाए, बट आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो बिल्कुल कुछ नहीं आना चाहिए, ओके।
ठीक है, समझ में आई यहाँ तक चीज़ें? फॉर्मूला याद हुआ, चलो फटाफट 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 फॉर्मूला याद करो, टी इंटू 0.4343 सी डिवाइड सी मल्टीप्लाइड बाई एल बी बाई बी सी, याद रहेगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। क्लियर है? क्लियर है। चलिए इस मेथड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, ब्रह्म ज्ञान की बात बताऊँ। ये मेथड है ना थोड़ा टाइम टेकिंग है। अब कोई मुझे ये बता सकता है ये टाइम टेकिंग क्यों है? कोई मुझे ये बता सकता है टाइम टेकिंग क्यों है? टाइम टेकिंग बेटा इसलिए है क्योंकि तुमने पहले उसे खाना खिलाया और फिर तुमने उसे काम कराया। मतलब कहने का मतलब, पहले तुम चार्जिंग में समय दोगे, फिर डिस्चार्जिंग में समय दोगे, देन फिर आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस को मेजर करोगे। इसीलिए थोड़ा टाइम टेकिंग है। एक एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन था, आधे बच्चों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी कि समझ नहीं पा रहे थे। बेटा यही बेसिक चीज़ तो आपको समझ के चलना है, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपकमिंग सेशंस में आपको मिल जाएंगे, तो अभी मैं उसकी बात कर लेता हूँ। और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल बहुत बुरा लगा ये चीज़ मुझे, ठीक है। अब तुम लोग जुड़े हुए हो तो थोड़ा बात बताना ज़रूरी भी है। वो मल्टीप्लाई क्यों किए बेटा? जब हम ln से log में जाएंगे ना, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है। तो मैं पूरी प्रोसेस तो नहीं बताऊँगा अभी, ठीक है। सॉरी, ये log होना चाहिए ना, दिस विल बी log बेस्ड है, इसीलिए आप कन्फ्यूज़ हो गए, ठीक है। दिस इज लॉग बेस्ड टेन, ये बेटा लॉग बेस्ड टेन हो गया, ठीक है। मैंने ऐसे मजे में नहीं किया, वो हो गया वो। दिस इज ln है ना, यहाँ पे सही क्वेश्चन आपने किया। ln होगा यहाँ पे नेचुरल लॉग है ना, और एक यहाँ पे होगा लॉग बेस्ड टेन होगा। दिस इज द लॉग बेस्ड टेन, ठीक है। अब क्लियर है? इसीलिए जब हम कन्वर्ट करते हैं एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग जब ऊपर जाता है तो 0.4343 वैल्यू हमको निकलने वाली है। बोलो अब सही है, क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो टाइम टेकिंग वाली कल है ना बहुत बड़ी गलती की। पूरे सेशन में क्वेश्चन से रिलेटेड हर चीज़ बताई गई थी, फिर भी तुम लोगों ने गंदगी मचा दी, और ये गंदगी आज नहीं मचनी चाहिए। इसलिए एक घंटे मैक्स टू मैक्स डेढ़ घंटे का सेशन है, डेढ़ घंटे के पहले ही मैं खत्म कर दूंगा, पर थोड़ा सा इज्जत से बैठिएगा, ठीक है। सो पहली मेथड ये हमारी कंप्लीट होगी, वापस मैं रिवाइज करा देता हूँ। चलिए दो मिनट में रिविजन कर लेते हैं। लॉस ऑफ चार्ज मेथड में हमको ये देखने को मिला, एक कैपेसिटर है, एक रजिस्टर है और एक वोल्ट मीटर आपस में पैरेलल में होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट ज्ञान, पहला ब्रह्म ज्ञान, ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट ज्ञान। दूसरा ये डिस्चार्जिंग कर्व आपको देखने को मिलता है, चलिए सेकेंड ज्ञान आपको मिल गया, ठीक है। तीसरी चीज़ मिलेगी, चार्ज किया जाता है सप्लाई के थ्रू और डिस्चार्ज किया जाता है रजिस्टेंस के थ्रू। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मिल चुकी है आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। चौथी चीज़ है ln के बेस पे आपको एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। पांचवी चीज़ है आपका लॉग बेस 10 के बेस पे, लॉग बेस 10 के अकॉर्डिंग आपको एक रेजिस्टेंस इंसुलेशन का फॉर्मूला। छठवीं चीज़ आपको ये पता चले कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए जनरली यूज़ नहीं की जाती है, क्योंकि पहले आप चार्ज कराते हो। मतलब बात वही हो गई जैसे बकरीद में पहले बकरे को, छोटे से बकरे को खरीद के खिलाया जाता है और फिर काटा जाता है, बकरा हलाल किया जाता है, वही चीज़ हो गई इसमें, ठीक है। सो इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, टाइम टेकिंग प्रोसेस। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट में, ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट में, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मैथड। सो वॉट इज एक्चुअली द डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मैथड? क्या होता है डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मैथड में? यहाँ पे ये जो चीज़ दिख रही है, कल भी मैंने थोड़ी सी बात की थी, यहाँ पे ये आपको कंडक्टर दिख रहा है, एंड सेकेंड में यहाँ पे बना लेता हूँ वंस, ठीक है, एक मिनट बच्चों, ठीक है, ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे हम कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें। देखिए ये जो कहलाता है इसे हम बोलते हैं मेटेलिक शीट। बोलो हाँ, याद करते जाओ, इसे हम क्या बोलते हैं? मेटेलिक शीट। ये जो रेड कलर का है कोर बोलते हैं, या फिर हम कंडक्टिंग वायर बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आई क्या क्या चीज़ बताई? मेटेलिक शीट और ये बीच में क्या है, चलो समझते हैं बीच में क्या है। समझना है बीच में क्या है, तो चलिए समझते हैं बीच में क्या। ये ब्राउन कलर का जो दिख रहा है That is called the insulation. समझ में आ गई चीज़ें? ओके, चलिए चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट ज्ञान चीज़ें बताएंगे। पहली चीज़ कि देखिए ये भैया ये सोर्स वोल्टेज कहलाता है, इसे क्या बोलते हैं? सोर्स वोल्टेज बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द सोर्स वोल्टेज। समझ में आ रहा है एंड दैट इज़ अ इंसुलेशन। बिल्कुल सही बोला, ठीक है। ये सोर्स वोल्टेज ये क्या करता है? यहाँ से चार्ज करता है, ठीक है ना। देखना सबका मतलब है कुछ ना कुछ, सबका मतलब है कुछ ना कुछ। ओके, क्या हुआ है एक्चुअली डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड? पता है क्या है? वीआई मेथड है। अब कहोगे अरे तेरी वीआई मेथड थोड़ा है, नाम वीआई मेथड ही बोल सकते थे। तो हाई रेजिस्टेंस का
यदि हम बोलते हैं ना वीआई मेथड हब फॉर हाई रेजिस्टेंस, तो डायरेक्ट डिफ्लेक्शन बहुत बहुत ही रेयर लोगों को पता है ये चीज़। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैं क्या मेजर करूँगा, वोल्टेज। सो वोल्टेज इज मेजर्ड बिटवीन, ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ पॉइंट वन और इसको नाम दे सॉरी इसको नाम दे देता हूँ पॉइंट वन और इसको नाम दे देता हूँ पॉइंट टू, बिटवीन, ठीक है, पॉइंट वन एंड टू। समझ में आया कहाँ कहाँ, कंडक्टर कंडक्टर और मेटेलिक शीट। सुनते जाना, यदि सही में समझना है इस टॉपिक को। पहली चीज आपको समझ में आई। नेक्स्ट, ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, इन दोनों के बीच में हमने वोल्टेज मेजर किया, साथ ही साथ इस ये जो करंट है ना गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो फ्लो कर रहा है, तो हम यहाँ से गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो फ्लो होगा करंट, उसको हम मेजर करेंगे। समझ में आई यहाँ तक चीजें, समझ में आई चीजें? अरे क्या हो गया, काहे लड़ रहे हो, मैं इतना यार मैं मन लगा के पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग लड़ने में लगे, मैं सोचा कुछ अच्छे अच्छे कमेंट आ गए। ठीक है, सब वीआई मेथड को डायरेक्ट डिफ्लेक्शन क्यों बोले, जब ये वीआई मेथड है तो इसे डायरेक्ट डिफ्लेक्शन क्यों बोले। अरे कहने का मतलब है, यहाँ पे एक मेथड है अलग, पर इसको इनडायरेक्टली वीआई मेथड है इसलिए बोला जाता है। वीआई मेथड है क्या, आप लोग खुद बताइए, आपके दिमाग में यदि वीआई मेथड आता है तो क्या है ये, वोल्टेज मेजर करते हो, करंट मेजर करते हो, डिवाइड करके रजिस्टर निकालते हो, यही है ना वीआई मेथड। सच्ची सच्ची बताना, वोल्टेज मेजर किया, करंट मेजर किया, वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट, आपको रजिस्टर मिल गया। यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, बोलने का तरीका है डायरेक्ट डिफ्लेक्शन क्यों बोला गया, हाई रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग मेथड का नाम दिया गया। मेरा नाम रविंद्र जांगिड है तो भैया मेरे माँ बाप ने रख दिया, नाम बोल दिया गया, पर इन जनरल ठीक है वो वीआई ही मेथड है, क्योंकि वोल्टेज और करंट को मेजर कर रहे हैं। समझ में आया, इतने खतरनाक और इतने ठीक है बढ़िया डाउट लाते कहाँ से हो तुम लोग। ठीक है, सो यहाँ से क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर। अब आती है मेन चीज़, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये जो ऊपर कॉइल लगाई गई है ये क्या है, दिख रही है तुम लोग को, नहीं दिखी, अरे तेरी, ये दिखा, अभी भी नहीं दिखा, क्या बात कर रहा, अभी दिखा, ठीक है, दिख गया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिएगा क्या बढ़िया तरीके से आपको चीज़ें समझाता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल बना, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल बना, नेगेटिव पोटेंशियल इन द सेंस लोअर पोटेंशियल बना, इसलिए मैं नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल मिला क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। अल्टीमेटली ये एक प्लेट यहाँ पे मिली और दूसरी प्लेट यहाँ पे मिल गई, तो अल्टीमेटली इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ द कैपेसिटर। यहाँ पे क्या हुआ, कैपेसिटर का फॉर्मेशन हुआ। कैपेसिटर का क्या हुआ बच्चा, फॉर्मेशन। क्यों, कैपेसिटर तो यही बोलता है ना कि एक पॉजिटिव प्लेट हो गई, दूसरी नेगेटिव प्लेट हो गई, और बीच में यदि आपने डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल घुसेड़ दिया वहां पे, तो बेटा उसे कैपेसिटर बोलते हैं। यही ना होता है कैपेसिटर, यहां पे भी कैपेसिटर बना। कैपेसिटर के अंदर क्या है, वो चार्जिंग करंट को खींचता है, ठीक है, समझे। अब होता क्या है, कई बार एक्चुअली इंसुलेशन का तुमको करंट यदि पता करना है ना, इंसुलेशन का यदि तुमको करंट पता करना है ना, तो एक्चुअली करंट ये वाला फ्लो होना चाहिए, समझ रहे हो, ये वाला करंट एक्चुअली फ्लो होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही कम, ठीक है, वन सेकेंड, एक मिनट, एक बार और जूम करने दो, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटर का ये करंट फ्लो होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। बट क्या होता है, कैपेसिटर जो है बड़ी है ना भाई, घटना वो क्या बोल सकते हो, गाली निकल रही पर बोल नहीं सकते, बड़ा ही है ना बेकार इंसान है। वो क्या करता है, यहाँ से डिस्चार्जिंग करंट, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, कैपेसिटर के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, ठीक है, कंडक्शन करंट मत बोल देना, जीवन बर्बाद है बेटा तुम्हारा, कंडक्शन करंट बोलने की गलती भी मत कर देना, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ में आ रहा है क्या क्या चीज़ मैंने बताई, ठीक है। तो यहाँ से बच्चा इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट करंट जाता है, ठीक है, कौन सा जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, पीडीएफ में तुम लोग जूम करोगे ना तो तुमको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो टेंशन मत लो, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, वो इंटरफियर कर रहा है इस वाले करंट को, समझ में आया, ठीक है। तो कहने का मतलब है, हमको तो बेटा ये जो है ना ऊपर वाला करंट, समझ रहे हो, चलो दिखाते हैं तुमको ऊपर वाला करंट, ठीक है, ये वाला, वन सेकेंड, ये जो ऐसे जा रहा है ना, ये नहीं चाहिए, समझ रहे हो, हमको तो केवल
अंदर ये जो है ना, अंदर ये जो करंट अभी मैंने एरो बना के दिखाया था, केवल हमको वही चाहिए। समझ में आई चीज है? ठीक है, तभी हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस है ना, हम यहाँ पे बात करेंगे, तभी हम क्या बोलेंगे, ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस बात करेंगे। ठीक है, आर इंसुलेशन इज नथिंग बट कितना वोल्टेज इन दोनों के बीच में है डिवाइडेड बाय कितना करंट वहां से गया। ठीक है, चीजें समझ में आई। और इसी को बाईपास करने के लिए गार्ड वायर को यूज किया जाता है। इस करंट को जो ली यहां से डिस्प्लेसमेंट करंट बोला, इट इज नथिंग बट अ लीकेज करंट जो तुम लोग पढ़ते हो। लीक हो गया ना, हैं, लीकेज ना हो गया? अरे पानी की टंकी से हल्का हल्का पानी निकाला, लीकेज बोलते हो कि नहीं बोलते? वही ना लीकेज होता है। ठीक है, बरसात हो रही है, थोड़ा चूने लगा, लीकेज हो गया, है कि नहीं? वहां पे भी लीकेज हो रहा है, जिसे हम जनरली डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम देते हैं। तो गार्ड वायर क्या करता है, बाईपास करता है इसी लीकेज करंट को, इसी लीकेज करंट को। अरे समझ में आया तो हाँ बोल दो, नहीं आया तो ना बोलो ना भाई, कौन मना किया है का? ठीक है, जल्दी से दोनों लेक्चर मिला पीडीएफ, ओके, बहुत बढ़िया, सॉरी सर बट इतना डिटेल्स में पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, इसीलिए तो बेटा शॉर्ट में मैं इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, तभी ना शॉर्ट में देखो ना कितनी सारी चीज़ें मैंने बता दी। ठीक है, मैक्सिमम कितना टाइम लिया, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, दोनों मेथड पढ़ लियो। और यही दो मेथड यदि मैं पूरा लिख के प्रॉपर बताता ना, तो तुम लोगों को कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगता, कसम से बता रहा हूँ, 1.5 से 2 घंटा। पर मेन फैक्ट ही तो है जो आपको जानना है, वो ये हो गया। तो कुल मिला के आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल गए जो आप लोग को जानना ज़रूरी था। ठीक है, कि कैपेसिटर कहाँ पे होता है, लीकेज करंट कहाँ पे होता है, किस तरीके से हम इसको मेजर करते हैं, ऑल दिस थिंग यू हैव, ठीक है, कम थ्रू। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया? मसर मजा आ गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड। इसी में गार्ड वायर का यूज किया जाएगा, बाईपास करता है लीकेज करंट को, सो दैट हम एक एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, बेसिक जितनी बतानी चाहिए थी शॉर्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग मैंने सब चीज बता दिया। कीप इट अप गाइस, लगे रहो और थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो 100% आप लोग को बहुत फायदा होगा। सर कौन सा टेलीग्राम पर पीडीएफ जेनिक के लिए? डियर ऊपर पिन किया हुआ है, एक बार आप चेक कर लीजिए। ठीक है, जेनिक AEJEE, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया डियर। या दोस्तों लाइक शेयर कर दो, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, इतना तो प्रेम खुद भी कर दे, दिखा देना चाहिए। ठीक है यार, कैसे कर रहे हो तुम लोग। चलिए अब चलते हैं मैगर पे, अब चलते हैं मैगर पे। बताओ वो वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं आया, वो वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं आया, मुझे ये बताओ। ये जो डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मैंने पढ़ाया अभी, वो समझ में आ गया ना? कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो तुमसे वो पूछे, उसकी औकात, उसकी औकात तुम नाप भांप लिए कि नहीं भांप लिए? बेटा तुम एग्जामिनर की औकात भांप लो, कहाँ से पूछ सकता है? इफ आई, मैं मान लो कि एग्जामिनर बन गया ना, ठीक है, पता क्या दूंगा कि भैया ये ना करंट कौन सा है। ठीक है, मैं क्वेश्चन ये भी तो बना सकता हूँ कि बेटा लीकेज करंट जो है वहाँ पे कैपेसिटर, आधे लोग बोलते हैं कैपेसिटर फॉर्म हो गया, अरे भैया हुआ कहाँ? आधे लोग को यही नहीं पता कैपेसिटर कहाँ फॉर्म हुआ। तो चीज़ें ऐड हो रही है ना आपके नॉलेज में, तो बिल्कुल उनको ऐड करते जाइए और अच्छे से समझते जाइए। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये सर डिवाइस कौन सा यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड में? बेटा यही तो डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड है मेरे भाई, ये तो गैल्वेनोमीटर आप यूज ही कर रहे हो ना बेटा, यही तो मेथड है। मुझे ये बताओ, यही तो मेथड है जो आप रेजिस्टेंस को, अरे मेरे भाई ये जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस तुमको मेजर कर रहे हो ना, ये पूरी मेथड ही है जिसे हम डायरेक्ट डिफ्लेक्शन बोलते हैं यार। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं मैगर। ठीक है, मैगर में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। चलो ये हम मान लीजिए कि हमारे पास रुपया पैसा आ गया और हम मार्केट में कुछ खरीदने गए, तो मार्केट से जब हम खरीद के लाएंगे तो ऐसा डब्बा दिखता है। ठीक है, ठीक है, वो वाला नहीं दिखता है, कौन सा, वो जादू वाली मूवी आई थी ना, टें 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 टें, वो वाली कौन सी मूवी आई थी जिसमें वो करता है, तो वही वाला सिस्टम जैसे देखने नहीं मिल रहा। ठीक है, तो वही मैगर है। यहाँ पे वैसी चीज़ कुछ, यदि तुमने ना वाईफाई का कनेक्शन लगवाया होगा, तो फाइबर ऑप्टिक्स वाला लगाया होगा, तो एक बड़ा सा डब्बा आता है कि नहीं, ज्वाइन करने वाला, वैसा ही ये भी दिखता है। यदि कहीं थोड़ा बहुत देखा होगा तो, ठीक है, समझ में आ रही है ना चीज़ें? चलिए बहुत बढ़िया, अब हमने इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ना इसको जूम कर लेते हैं। चलिए अब है ना इसकी है ना थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं मज़ेदार तरीके से। अब क्या करेंगे इसका पोस्टमार्टम। चलिए दोस्तों, और इसको चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली क्या क्या है। देखिए जो मैगर है ना, वो आपका दो टाइप का होता है। कितने टाइप का हुआ? दो टाइप का। अभी मैं लिखूंगा उस चीज़ को, थोड़ा लिख के बता दूंगा, टेंशन। हाँ, कोई मिल गया वाली मूवी, नोटेड नाउ मैगर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैगर है ना बेटा दो टाइप का होता है।
अब दो टाइप डिपेंड पता कहाँ से करता है, ये इस पे डिपेंड करता है। अच्छा कोई मुझे ये बता सकता है ये है क्या एक्चुअली, ये जो चीज़ मैंने अभी सर्कल की है ठीक है वो एक्चुअली है क्या, जल्दी से बताओ कोई, ठीक है फटाफट मुझे ये बताओ कि वो है क्या, है क्या मैग्नेट लगा है बीच में गोल है, ऐसा कुछ काले काले हैं हाथ है वहाँ पे, और कुछ तो है ऐसा बना हुआ है, क्या है वो? गैल्वेनोमीटर, जनरेटर, गैल्वेनोमीटर नहीं दोस्त, जनरेटर, मोटर। वाह अच्छा, तुमको बेटा घर में बिजली पैदा करनी है तो तुम मोटर लगाओगे, क्या कहते हो, तुम्हें सत सत नमन किया जाए, बोलो क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं तुमको लग रही? यार एक चीज़ बताओ, तुमको किसी को भी ऑपरेट कराना है तो बिजली चाहिए, बिजली के लिए तुमको जनरेटर ना चाहिए, मोटर लगा दोगे, और मोटर वो कहाँ से चलाओगे, फूंक मार के हैं, समझो वो चीज़, इसमें है ना तुमको बिजली चाहिए, तो मतलब दिस इज अ जनरेटर। तो जिन बच्चों ने भी जनरेटर बोला है बिल्कुल सही बोला है पहली बात। अब हैंड ड्रिवन जनरेटर तो ये बोलना अभी गलत है, ठीक है, यहाँ पे हैंड ड्रिवन जनरेटर लिखा है इसलिए बोल दियोगे तुमको। एक्चुअली क्या है, ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो मान लो परमानेंट मैग्नेट का बना के रख दिया ठीक है, और बैटरी का पूरा अरेंजमेंट ऐसा कर दिया मैंने, बैटरी का अरेंजमेंट प्रॉपर बैटरी लगा दी ठीक है, तो दो टाइप में हो जाएगा। एक हो सकता है हैंड ऑपरेटेड, एक क्या हो सकता है कि बेटा एक हैंड ऑपरेटेड मिल जाएगा तुमको, समझ रहे हो, या फिर इसकी जगह बैटरी ऑपरेटेड भी दूसरा देखने को मिलता है। दो चीज़ें याद करो ठीक है, गजब बेइज्जती, अरे गजब बेइज्जती से तो थोड़ा सा उफान आता है और फिर और पढ़ते मज़ा आता है। चलिए जनरेटर या तो आपका हैंड ड्रिवन होगा, देखो चीज़ें याद करो जो इंपॉर्टेंट है, हैंड ड्रिवन हुआ। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, आपकी बैटरी ऑपरेटेड हुआ। अब यहाँ से है ना बिजली है ना पैदा होके है ना चलने लगती है, यहाँ से चली चली चली। अब देखना मैगर पढ़े होगे पर ढंग से नहीं पढ़े होगे, इतनी गारंटी मैं दे देता हूँ। चलिए चेक करते हैं, यहाँ से गया और एक ये कॉइल दिखी ठीक है, चलिए मैं कुछ अरेंजमेंट थोड़ा सा और अलग सा भी बना देता हूँ ठीक है। ठीक है दो कॉइल होती हैं ठीक है, ओके ऐसे करके ये जो कॉइल होती है उसे हम पीसी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पीसी, क्योंकि ये सोर्स के है ना, सुनते जाओ ना, सोर्स के डायरेक्ट में कनेक्टेड है। पीसी मतलब होता क्या, आप क्या समझते हो पीसी से, समझते क्या हो, पोटेंशियल कॉइल, वोल्टेज कॉइल पीसी कहलाती है ठीक है, सुनना मेरी बात ठीक है, पीसी कहलाती है। क्यों बोलते हैं पीसी, क्योंकि वो सोर्स के डायरेक्ट कनेक्शन में होती है, इसीलिए हम पीसी बोल देते हैं ठीक है। ये हुई, इसी पीसी को हम बोलने वाले हैं ठीक है कंट्रोल कॉइल, समझे? तो मतलब कहने का मतलब है ये जो कॉइल दिख रही है ना तुमको, वो आपको है ना कंट्रोल कॉइल, पहली बात तो ये कहलाएगी पीसी ठीक है, और उसे हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल कॉइल बोलेंगे। तो मतलब हमारे पास कॉइल के दो सिस्टम होने वाले हैं ठीक है, एक तो पीसी हुआ जिसे हम बोलेंगे कंट्रोल कॉइल, कंट्रोल कॉइल, दूसरा हुआ सीसी हुआ जिसे हम क्या बोलते हैं, करंट कॉइल बोलते हैं, पर यहाँ पे हम बोलेंगे उसको करंट कॉइल ही नाम है ठीक है, पर यहाँ पे ऑपरेशन क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन का काम करता है, तो डिफ्लेक्टिंग कॉइल। इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस मैं इस कंसेप्ट को यहीं तक रखूंगा ठीक है, इस कंसेप्ट को मैं यहीं तक रखने वाला हूं ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या हुआ, पीसी हुआ और सीसी हुआ ठीक है, यहां पे अब आता है, मान लीजिए कि तुमने ये रेजिस्टेंस है ना, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, एक मिनट, एक मिनट ठीक है, मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस तुमने नहीं लगाया ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं लगाया, ऐसी कंडीशन में तुमको क्या देखने को मिलेगा, ऐसी कंडीशन में तुमको क्या देखने को मिलेगा, मान लीजिए कि रेजिस्टेंस जो तुमको मेजर करना है वो नहीं लगा है, तो ऐसी कंडीशन में पीसी हमेशा कनेक्ट रहेगा ठीक है, लिख लो ठीक है, लिख लो कहीं पर जहाँ पर तुम लिख सकते हो, तो पीसी क्या है, हमेशा कनेक्ट रहेगा ठीक है, वो हमेशा करंट रहेगा, और वो क्या करता है, कंट्रोल प्रोवाइड करता है, समझ रहे हो। देखो क्या होता है, तीन टाइप की चीज़ें होती हैं, डिफ्लेक्शन हुआ ठीक है, तो डिफ्लेक्शन करके इधर मुंडी घुमा देगा तो इधर टिक गया है ना, उसी को कंट्रोल करने के लिए ऐसे एक कंट्रोलिंग टॉर्क होता है ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई।
नेक्स्ट क्या हुआ, वो जैसे ही यहाँ पे नाचने लगता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा डैम्पिंग आता है जो उसके ऑसिलेशन को कम करता है। बोलो हाँ, समझ में आई चीज़ें? बस बता दीजिए प्रिंसिपल ऑफ डायनोमीटर या मूविंग कॉइल दीजिए, इसका प्रिंसिपल डायनोमीटर डायनोमीटर होता है, ठीक है, ओके। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे चीज़ें समझते हैं, पीसी हमेशा क्या करता है, पीसी हमेशा क्या करता है, क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, है ना, वो कह के रखा है कंट्रोल करेगा। और हमेशा हमेशा जब आरटी नहीं लगा है ऐसी कंडीशन में जो पॉइंटर होगा, जो पॉइंटर होगा वो हमेशा इन्फिनिटी शो करेगा। चलो दिखा देता हूँ, देखना, हमेशा ना पॉइंटर है ना इन्फिनिटी को शो करेगा जब है ना रेजिस्टेंस नहीं लगा है, समझे चीज़ें, रेजिस्टेंस नहीं लगा है तब पॉइंटर क्या करेगा, इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी इसलिए बोलेगा, रेजिस्टेंस यदि नहीं लगा है तो वो ओपन सर्किट कंडीशन है। बोलो हाँ, रेजिस्टेंस यदि नहीं लगा है तो वो ओपन सर्किट कनेक्ट है, ठीक है। अब मान लीजिए कि तुमने आरटी लगा दिया जिसको तुमको मेजर करना है, आरटी लगा दिया जिसे टेस्ट रेजिस्टेंस बोल रहे हो, ठीक है, ठीक है, नो कंट्रोल इज प्रोवाइडेड, ठीक है, ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब सुनना मेरी बात ढंग से सुनना, ठीक है, अब क्या हुआ, कलर यूज कर लेते हैं एक बार, यहाँ से करंट आया, यहाँ पे तो वैसे भी जा रहा था, अब यहाँ पे भी टूट गया वो करंट, ठीक है, इसमें भी टूट गया। अब दोनों कॉइल है ना, अब देखना, मान लीजिए कि हम इसके थ्रू इस तरीके से कनेक्शन लेते हुए इसको, है ना, नहीं नहीं ये गलत रास्ता हो गया, ऐसे ऐसे ये रास्ता, ध्यान से देखना, और ये वाली कॉइल पे आ गए, तो अब सीसी भी कनेक्ट हो गई, है ना, तो सीसी क्या करेगी, जब तुमने आरटी लगाया, जब तुमने आरटी लगाया ऐसी कंडीशन में सीसी भी कनेक्ट हो गई, और सीसी कनेक्ट हो गया तो वो डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है, डिफ्लेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कोई भी मान लीजिए कि आरटी की वैल्यू जो भी आएगी, आरटी की वैल्यू जो भी आएगी वो क्या करेगा, वो यहाँ से डिफ्लेक्शन प्रोवाइड कर देगा। समझ में आ रही चीज़ें, इन्फिनिटी टू जीरो, स्केल इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू जीरो, बिल्कुल सही बोला, शॉर्ट रहेगा तो जीरो रहेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक, चीज़ें समझ में आई, तो मतलब यहाँ से वो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन प्रोवाइड कर देगा, इतनी चीज़ समझ में आई। तो अल्टीमेटली, ठीक है, अब एक्यूरेट रीडिंग चाहिए ना, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि पीसी के कारण तुमको कंट्रोल टॉर्क मिला, ठीक है, जिसे हम टीसी बोलेंगे, और सीसी के कारण मतलब करंट कॉइल के कारण, ठीक है, करंट कॉइल के कारण तुमको डिफ्लेक्शन टॉर्क मिला, तुमको डिफ्लेक्शन टॉर्क मिला, अभी सुनते जाओ, बाद में क्वेश्चन आपके लिए जाएंगे, डिफ्लेक्शन टॉर्क मिला जिसे हम टीडी बोलेंगे, ठीक है। यदि तुमको रीडिंग चाहिए, यदि तुमको रीडिंग चाहिए तो उसके लिए टीसी की वैल्यू टीडी के बराबर होती है। बोलो हाँ, टीसी की वैल्यू टीडी होती है। रुक जाओ, आप लोगों के डाउट लेता हूँ, ठीक है, अभी मैं कुछ जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ ऐसा ना हो कि वो छूट जाए, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो मेनली यही है, ठीक है। यदि तुमको रीडिंग चाहिए ऐसी कंडीशन में कंट्रोल टॉर्क और डिफ्लेक्शन टॉर्क आपस में इक्वल होने चाहिए, एग्जैक्ट रीडिंग बता देता है, यही होता है और यही बेसिक फॉर्म फंडा होता है। अब आप कभी किताब पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी यदि कोई बच्चा कर रहा होगा तो कंसेप्ट में केवल यहीं अटकोगे और कहीं नहीं अटकोगे, ठीक है, और हम यही बताने के हम पैसे चार्ज करते हैं, समझ रहे हो, पेड लेक्चर में। एक्चुअली क्या होता है, इतने छोटे छोटे कंसेप्ट हैं ना जो नहीं पता है, बुक्स में केवल डायरेक्टली लिखी रहती हैं चीज़ें, ठीक है, और कोई ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ पाते, उतना समय नहीं होता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, यही की पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अदरवाइज आप उसी के इर्द गिर्द घूमते रहोगे और आपसे सॉल्यूशन नहीं आएगा बेटा, ठीक है, इसीलिए, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक चीज़ें क्लियर, क्लियर क्लियर क्लियर। अभी मैं डाउट लेता हूँ एक चीज़, ठीक है, यहाँ तक पहले मुझे हर एक बच्चा जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है दिल खोल के मुझे ये बता दो, मैगर समझ में आया क्या, और कभी भूलेगा आप लोगों को मैगर, अब कभी भूलेगा, ठीक है, ये रहा आपका मैगर से रिलेटेड, इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट वगैरह लगते हैं और इंसुलेशन वगैरह मेजर किए जाते हैं, तो आपको ये देख लीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आप वो पीडीएफ भेज दूंगा तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, पॉइंट्स होते हैं किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, वो तो सब मैंने बता ही दिया है ना। मस्त सेशन, थैंक यू सो मच। क्या पूछ रहे थे बबली कुमारी जी, कभी कभी मैगर में टू टर्मिनल देता है और कभी कभी थ्री टर्मिनल, और सर हाई रेजिस्टेंस के लिए तो थ्री टर्मिनल होता है ना। हाँ, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, यहाँ पे भी देख लो थ्री टर्मिनल है, ठीक है, थ्री टर्मिनल है।
और कभी कभी जैसे जो थर्ड टर्मिनल होता है वो बाईपासिंग के लिए यूज कर दिया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। बट हमें जो जानना है वो ओनली द टू टर्मिनल से रिलेटेड है, ठीक है। प्रैक्टिकली जब बात करेंगे थ्री टर्मिनल से रिलेटेड बात कर लेंगे। आर यू गेटिंग दिस? इतनी सारी चीज़ें। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे है ना एक ऐसी रिंग लगाई जाती है, ठीक है, जिसे हम गार्ड रिंग बोलते हैं। गार्ड रिंग बोलते हैं, ऐसे रिंग करके लगाई जाती है जिसे हम क्या बोलेंगे, गार्ड रिंग बोलेंगे। याद रहेगा गार्ड रिंग क्या है, लीकेज करंट को बाईपास करने के लिए गार्ड रिंग का हम यूज करते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। ओपन सर्किट में हाई रेजिस्टेंस मेजर करता है, शॉर्ट कंडीशन में मेजर जीरो रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का भी क्लास स्टार्ट करिए, बिल्कुल डियर मैं स्टार्ट करूंगा, अपकमिंग सेशन में आपको वो भी दिखने को मिल जाएंगे डियर, है ना। समझ में आ रहा है यहाँ तक चीज़ें, क्लियर हो रही है डायग्राम? अब तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना कोई बच्चा, उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ मैंने बताई है। मैं खुद बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, इतने साल पढ़ाया हुआ है चीज़ें, ठीक है। मैं आप खुद बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, यही इंपॉर्टेंट आपको काम करेगा। विश्वास नहीं हो तो कभी सेल्फ स्टडी करके देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा चीज़ें, ठीक है। और कहीं से पढ़े भी हुए होंगे तो इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों में कन्फ्यूज़ होते हैं। चलिए मेगा ओम मीटर बोलते हैं, मेगा ओम मीटर, मेगा हटा दीजिए तो क्या बचा, ओम मीटर बचा। ओम मीटर का काम क्या होता है, ओमिक वैल्यू को फाइंड करना, मतलब रेजिस्टेंस को आपको निकालना। वन सेकेंड, एक मिनट बच्चों। ऑप्शन क्या होगा सर, टू और थ्री इफ बोथ ऑप्शंस आर गिवन? तो ऑप्शंस क्या होगा सर, टू और थ्री? यार ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं गया मेरे को तो आज तक समझ, ये जब दोनों ही पॉसिबल हो सकते हैं तो हाउ वी कैन से, है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन क्यों फ्रेम होंगे? मतलब इतना अच्छा कंसेप्ट पढ़ने के बाद वो एक ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछना चाहेगा, ठीक है। और पूछता भी है तो डेफिनेटली टू टर्मिनल है ना, जो आप पढ़ते हो वो जनरली टू टर्मिनल, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, अब हम चलते हैं मेगा ओम मीटर में। चले मेगा का बोलने से बता ही नहीं मेगा का, हाँ भाई साहब ये पूछ रहे हैं कि सर मेगा मेगर का जो है वो वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज इन द सेंस कहने का मतलब है ऑपरेटिंग वोल्टेज से रिलेटेड भाई बात कर रहा है, तो कितना ऑपरेटिंग वोल्टेज है, किसी को पता है तो बताइए, 500 या 440? नहीं डियर, और कोई, एक रेंज होती है, ठीक है, एक रेंज होती है, आया है या टू ही होगा, यस टू, इट विल बी द टू, हाँ 1000 वोल्ट, और कोई, और कोई, एक रेंज होती है, ठीक है। और इसकी जो रेंज होती है वो 500 वोल्ट से लेके 2500 वोल्ट तक जाती है, इसका कोई आंसर नहीं है, 2000 कोई बोल रहा है, मतलब आपने बोल दिया, एग्जैक्ट कुछ नहीं होता बेटा, वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का रिक्वायरमेंट है। टेस्टिंग के लिए भी मेगर का यूज़ होता है, आर यू गेटिंग दिस? मेगर का जो यूज़ है वो टेस्टिंग के लिए भी हम करते हैं, इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए भी हम मेगर का यूज़ करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस को नापने के लिए भी मेगर का यूज़ करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपको केबल्स का इंसुलेशन मेजर करना है तब भी हम करते हैं, रिले का इंसुलेशन मेजर करना है तब भी हम करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ों में हम क्या करते हैं, मेगर का यूज़ करते हैं, एंड इट गिव्स द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट। कहाँ पे लिख दूँ, इट गिव्स द मोस्ट एक्यूरेट, इट गिव्स द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट, मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है। बोलो हाँ, बोलो हाँ, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 500 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट तक जो है वो आपको इसकी रेंज देखने को मिलेगी। अब बता दो, चलो समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए लास्ट मेथड जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, मेगा ओम मीटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है मेगा ओम मीटर, ओम मीटर एंड मेगा ओम, मतलब ये मेगा ओम्स में वैल्यू को मेजर करता है, पहली चीज़, ठीक है। सेकेंड थिंग, मान लीजिए कि कोई टेस्ट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर आप क्या करोगे, उसके ऊपर पता क्या करोगे, आप है ना इंसुलेशन प्रोवाइड करते हो, मतलब यही है पूरा, इंसुलेशन ही तो है, ठीक है, ऐसा ऐसा करके इंसुलेशन दिया। नाउ यदि आप थोड़ा सा यदि बात करोगे, ये कोई एक टर्मिनल एक्स है और ये कोई टर्मिनल आपका वाई टर्मिनल है, ठीक है, दो टर्मिनल हमने ले लिया। एक्चुअली क्या होगा, इस इंसुलेशन का कोई भी रैंडम रेजिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, है ना, और रैंडम रेजिस्टेंस को मेजर करो और वायर का भी आपको यहाँ पे इंक्लूजन देखने को मिलता है, तो इंसुलेशन आपको देखने को मिलता है क्योंकि वो ग्राउंडेड होता है। और इसका यदि इक्विवेलेंट ड्रॉ करते हो तो ये रेजिस्टेंस तो आरटीओ के जिसको आपको मेजर करना है मेगा ओम की वैल्यू को, और ये रेजिस्टेंस आपका ग्राउंडिंग होता है क्योंकि यहाँ पे बीच में यदि ग्राउंड दिया है
तो आप कह सकते हो कुछ पार्ट इधर रह जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, तो कुछ पार्ट इधर हो गया, कुछ पार्ट इधर हो गया, और यहाँ से आपको एक वैल्यू मिल जाती है। लेट अस से एक्स है और ये वाई है, प्लीज़ मेरा ख़त्म होने दो बात, फिर मैं आप लोगों को डाउट लूँगा, ठीक है, फिर आप लोगों को डाउट लूँगा। आर एक्स जी और आर आर वाई जी है ना, ये दो रेजिस्टेंस हो जाता है। कहोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हुआ क्या, ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस जो एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ड्यू टू द ग्राउंडिंग इंसुलेशन, ठीक है, इस तरीके से करने पे ये जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, इसके कारण जो आप आरटी को मेजर करते हो, जब भी आप आरटी को मेजर करते हो ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उसकी जो रीडिंग मान लीजिए कि 10 मेगा ओम आ रही होगी, तो वो क्या होती है कि वहाँ से घट के, ठीक है, डाउन हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि दो रजिस्टर हैं, एक 10 ओम यहाँ पे है और एक 10 ओम यहाँ पे है, ठीक है, सुनना मेरी बात, पहले समझ लो कंसेप्ट क्या है इसमें। 10 ओम यहाँ पे, अल्टीमेटली जब इसका पैरेलल में लोगे तो 10 × 10 / 10 + 10 यही होता है ना, ठीक है, तो कितना हो गया 20। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 100 / 20, अल्टीमेटली यू आर गेटिंग 5, ठीक है, इतनी चीज़ आएगी। मतलब यदि कोई दो रजिस्टेंस आपस में पैरेलल हैं, दो रजिस्टेंस आपस में पैरेलल हैं, अल्टीमेटली आपको जो रिजल्ट मिलता है एक्यूरेट वैल्यू से कम मिलेगा। बोलो हाँ, हाँ बोलो, समझ में आ रहा है क्या मैंने बताया, समझ में आ गया। इसी रीडिंग के कारण एरर आता है कई बार, और उसी एरर को हटाने के लिए, ठीक है, सिंपल ओम मीटर जो था ना, सिंपल ओम मीटर, ठीक है, सिंपल ओम मीटर को यही था, सिंपल ओम मीटर जो था वो यही था, सिंपल ओम मीटर, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये जो रजिस्टेंस है ना, ये आर ए बी, यहाँ पे आर ए बी बता के रखा, ध्यान से सुनना इसको, ये प्लीज़ कंसंट्रेट करना, क्योंकि डायग्राम जितना वे बेटर देन मैं शो कर सकता हूँ उतना शो कर रहा हूँ। और ये इंसुलेशन का जो ग्राउंड से जा रहा है, ग्राउंड से टच हो गया, ठीक है, इंसुलेट ग्राउंडिंग करते हो ना, तो उससे इंसुलेशन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दोनों का ये जो गार्डिंग पॉइंट है ना, उसको हम पता कहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, डी पे कनेक्ट कर देते हैं। समझ में आया यहाँ पे, समझ में आया। अब कहोगे सर इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण पता क्या हुआ, ये आर ए जी और पी आपस में पैरेलल हो गए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या हो गया, दूसरा चीज़ ये वाला इधर है, तो आर जी और आर बी जी आपस में पैरेलल हो गए, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, मतलब आर जी की जो वैल्यू है वो बहुत लो होती है, ठीक है, अल्टीमेटली ये जो इफेक्ट है वो आपका बिल्कुल कम हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, यदि मैं ऐसे बात करूँ कि 1 ओम इज़ इन पैरेलल विथ 10 ओम, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ कोई बकैती नहीं करेगा, मस्त तरीके से, ठीक है। जेनिक प्लीज़ रिचार्ज कर दीजिए, अरे बाबा अरे कर देंगे भाई, ठीक है, अभी खुद ही गरीबी छाई हुई है कर देंगे, तुम्हारा टेंशन मत लो, ठीक है, तुम्हारा नाम याद रखा तो लिख लिया मैंने, टेंशन ना लो तुम, ठीक है। वन यदि हम बोलते हैं 10 के पैरेलल, इसकी वैल्यू 1 से जो सबसे कम वाला है ना उससे कम आने वाला है, कहने का मतलब है 1 × 10 और ये 11, तो 10 / 11 इज ऑल, मतलब नीचे वाला ज़्यादा आ गया तो 1 से कम है, समझ गए यहाँ तक। कहने का मतलब ये हुआ, ये यहाँ पे ख़त्म, ढेशाम ख़त्म, ठीक है, कुछ नहीं बचा भाई के पास, ठीक, ये हुआ। आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द रिजल्ट, जो आपका एरर यहाँ पे क्या कर देगा, कम कर देगा। समझ में आया क्या बोला, जो अल्टीमेटली क्या करने वाला है, आपका एरर कम कर देगा। एंड दिस इज द मेगा ओम मीटर मेथड, ये क्या कहलाता है, मेगा ओम मीटर मेथड। समझ में आई चीज़ें मैं क्या बोला, ठीक है, और यही क्या कहलाता है, मेगा ओम मीटर मेथड, ये ब्रिज है, ठीक है। अल्टीमेटली ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और आपस में क्या करेंगे, ठीक है, आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो ये दोनों कंबाइन होकर कुछ भी एक रेजिस्टेंस बना लिया, लेट अस से आर एक्स बना दिया, और आर एक्स ब्रिज का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ब्रिज का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे आर वन है, यहाँ पे आर टू है, यहाँ पे आर थ्री है, यहाँ पे आर फोर है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, आर वन आर फोर, और वो आपस में पैरेलल होंगे आर टू आर थ्री, यही होता है ना, वहाँ पे भी वही होने वाला है। मतलब ये जो भी रिजल्ट बना ये आपस में पैरेलल बनेगा, ये जो भी रिजल्ट बना ये आपस में पैरेलल बनेगा, और उसके अकॉर्डिंगली हम वैल्यू फाइंड करते हैं। एंड दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द मेगा ओम मीटर, ठीक है, समझ में आई चीज़ें, क्लियर है, मज़ा आया, ठीक है, आप पढ़ तो लेते हो पर ये सब चीज़ें ऊपर से जाती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मेगा ओम मीटर, दिस इज़ ऑल अबाउट मेगा ओम मीटर, ठीक है। तो सब कुछ ख़त्म, हर मेथड मैंने बता दी है,
समझ में आई चीजें, क्लियर है भैया, सेटिस्फाइड? फटाफट मुझे है ना कमेंट सेक्शन पे जल्दी से जोश के साथ ये बता दो, हैव यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट? क्योंकि अब क्वेश्चन चालू होने वाले हैं, 20 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैंने रिजर्व रखे हैं, अब मैं क्वेश्चंस यहाँ पे परफॉर्म करूंगा, ठीक है? ठीक है, बताओ मजा आया कि नहीं आया? मेगा ओम समझने में मजा आया? रेजिस्टेंस किसका किसका बनता है ये पता है तुम लोग को? मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन, ये सब पता है कि नहीं पता? निकल, क्रोमियम एलॉय, ठीक है, ये तीन चीज़ों का सबसे ज़्यादा है, याद कर लो, मैंगनीन, ठीक है, ये एलॉय है, ठीक है, मैंगनीन एलॉय है, ठीक है, क्रोमेल एलॉय है, ठीक है, सर याद रखना, मैंगनीन, क्रोमेल, एल्यूमेल, ठीक है, ये सब एलॉयज होते हैं। रेजिस्टेंस के लिए सबसे सुटेबल कौन सा है? मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन, निकल क्रोमियम, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन, निकल क्रोमियम, याद रहेगा? समझ में आई चीज़ें? चार टॉपिक समझ नहीं आया, कौन सा चार टॉपिक समझ में नहीं आया भैया? अब देखो यार, मैंने तो अपना एफर्ट डाल दिया, यदि कुछ भी बचा है तो बता दो, ठीक है, आज के चार टॉपिक यदि तुमको समझ में नहीं आया तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ भाई, अब बताओ तुम लोग। पूरा चीज़ तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब वो इसकी पूरी थ्योरी तो मैं अभी नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि बच्चों को क्वेश्चन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। मैं आगे के सेशन में जब पूरी थ्योरी लेके आऊँगा चैनल पर, तब आप लोग उसमें अटेंड कर सकते हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं जिसमें दिन का आप लोग कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के रहिए, सेल्फ स्टडी को सपोर्ट कर रहे हैं, दिस इज़ द लेक्चर जिसमें सेल्फ स्टडी को सपोर्ट हो रहा है और लगे हाथ आपको कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है। लास्ट वाला रिपीट, वॉच अगेन, फोकस के साथ आ जाएगा। यस डियर, यार बहुत सारी चीज़ें आपको जो बताई गई हैं वो आप कह लीजिए कि आपको मैंने कंसेप्ट पे पकड़ करवाई है, जो हम वहाँ पे एक घंटे में बोल के लिखवाते हैं वो आपको मैंने 10 मिनट में पूरी चीज़ सिनेरियो समझाया, ठीक है। अब यार आप यदि उस चीज़ में नहीं समझ पा रहे हो, एक बार वापस वॉच करो, नहीं समझ में आया तो कल मुझे पूछो, ठीक है। पर ये नहीं होना चाहिए एकदम से हाथ ऐसे तुमने रख दिया कि नहीं यार अब समझ में नहीं आया, ठीक है, बेकार पढ़ाता है ये, ठीक है, ठीक है भैया बेकार पढ़ाते हैं, ठीक है, बेकार तो नहीं बोल सकते, ओके, इतने सालों की मेहनत है, काम में गद्दारी नहीं करते अपन कभी, ओके, चीज़ें समझ में आएगी नहीं है, क्लियर है। चलिए लास्ट वाला, किसको किसी को रिपीट चाहिए था, मेगाओमीटर मेरे भाई, ये होता है कि जैसे ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को तुमको क्या करना है, मेजर करना है, इस रेजिस्टेंस को तुमको क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है, समझना मेरी बात। तो क्या होगा, समझना, इस रेजिस्टेंस को यदि तुमको मेजर करना है और इसके चारों तरफ क्या होगा, तुमको इंसुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है, इंसुलेटिंग वायर भी तो होती हैं जो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, मान लीजिए कोई केबल है, ठीक है, और केबल का तुमको रेजिस्टेंस मेजर करना है, केबल का कुछ रेजिस्टेंस मेजर करना, ठीक है, और ऐसा कुछ आपको अरेंजमेंट मिला जिसमें आपको चारों तरफ इंसुलेशन भी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण यदि आप इसको ग्राउंडिंग करते हो, इसको ग्राउंडिंग की सिचुएशन में लाते हो, क्योंकि वो ग्राउंडिंग भी होगा ना अल्टीमेटली, वो आप उसको है ना ग्राउंड वायर से क्या करते हो, गार्ड वायर से उसको लीकेज बाईपास भी करना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें एक्चुअली उसमें देखें, यदि आप प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे तो आपको उसमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। मैं केवल बेसिक पॉइंट पे इंक्लूड कर रहा हूँ, दिस इज शॉर्ट थ्योरी सेशन बच्चों, ठीक है, तो प्लीज़ मैं ऑलरेडी पहले ही बोल चुका हूँ शॉर्ट थ्योरी सेशन से, ठीक है, इसको मैं लॉन्ग नहीं बना सकता, अदरवाइज हर चीज़ छूट जाएगी, कोई मज़ा नहीं आएगा, और मैं पूरी थ्योरी चलाता हूँ तब भी बच्चों को ये रहता है कि अरे सर वो अलग करा दो, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, अभी शॉर्ट थ्योरी सेशंस लेते हैं, कुछ दिनों के बाद हम फुल थ्योरी सेशंस भी लेंगे जिसमें आप लोगों को और अच्छे तरीके से मैं ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अभी के लिए जिन्होंने पहले पढ़ के रखा है उनसे रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या हुआ कि यहाँ पे इंसुलेशन है, जब हम बात करेंगे तो ये वाला और ये वाला दो हिस्सों में टूट जाएगा, मतलब यदि प्रॉपर यदि कोई ऐसा समझ लो कि 10 ओम का रेजिस्टेंस है तो 5 में यहाँ पे टूट गया और 5 यहाँ पे टूट गया, क्योंकि 20 से गार्ड वायर निकल रही है, समझ गए, और अल्टीमेटली अरेंजमेंट ये देखने को मिलता है, समझ में आई चीज़ें। देन एक्चुअली क्या होता है, यदि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, कहने का मतलब है ये रजिस्टर है, ठीक है, अभी रेजिस्टेंस कैसा टूटा, ये वाला टूटा है ना, और ये वाला टूटा, चलिए चेक करते हैं, वापस देखते हैं, ये वाला जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, वापस देखो, आर ए, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस तुमने लगाया है जो तुमको मेजर करना है, ठीक है, इसको तुमने कितना बोला, ए बोला, इसको कितना बोला, बी बोला, ठीक है, ये ग्राउंड है तो इसको मैंने क्या बोल दिया, आर ए जी बोल दिया, इसको कितना बोल दिया, आर बी जी बोल दिया, समझ में आया कि नहीं बोला, ठीक है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब देखो क्या हुआ मज़ेदार तरीके से, ठीक है, अब मैं क्या कर दिया यहाँ से, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, ये जो गार्ड रिंग है, अब वापस चलो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, ये जो गार्ड रिंग है ना यहाँ पे,
इसको मैंने पकड़ के, कौन सी गार्ड रिंग, ये वाला गार्ड पॉइंट, इसको पकड़ के मैंने यहाँ पे लगा दिया। इससे हुआ क्या, इससे हुआ क्या, ये वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाएगा पी के पैरेलल में, और आरबीजी जो है वो आरजी के पैरेलल में आ जाएगी। चलिए थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए, चेक कर लिया, दोनों पैरेलल है, मज़ा आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, ठीक है, चलो अच्छा है, ठीक है, मज़ा आ रहा है, ओके, समझ में आई चीज़ है। ठीक है, पैरेलल किसके आया, फिर मैंने क्या बताया तुमको, फिर मैंने ये बताया, तुम बोलोगे तुम्हारे दिमाग में 100% ये क्वेश्चन आएगा, तो हुआ क्या सर। देखो एक्चुअली क्या होता बच्चों, ऐसी सिचुएशन तो आ रही थी जो मैंने अभी मिटाई आपको, ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिल रही थी। उसके कारण मैंने क्या बताया था आपको कि यदि दो रेजिस्टेंस आपस में यदि पैरेलल हैं, एक 10 है और एक 20 है, या फिर आप दोनों को 10-10 ले लीजिए और दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं, तो एंड रिजल्ट जो 5 ओम का निकलेगा मतलब कम हो जाता है ना। मतलब तुमने क्या किया, 10 ओम का रेजिस्टेंस मेजर करना था, तो उसकी वैल्यू 10 आनी चाहिए थी ना, तो अब कितनी आ रही है मीटर में, कितनी आ रही है, 5 आ रही है ना, तो गलत हो गया ना। तो ये एरर आया कहाँ से, ये एरर इस इंसुलेशन के कारण आया जो उसके पैरेलल में ऑपरेट कर रहा है, समझ में आई। उसी को हटाने के लिए, उसके इफेक्ट को हटाने के लिए हमने क्या किया, इसके है ना गार्ड को इधर डी से कनेक्ट कर दिया, डी के साथ दोस्ती करा दी, दोनों की शादी करा दी, संबंध ठीक है हो गए भाई के, ठीक है। और ये जो आरजी है ना, ये बहुत कम होता है, लगभग 0 के पास होता है। अल्टीमेटली इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 0 निकलेगा, कितना निकलेगा, 0 निकलेगा, मतलब बहुत कम, टेंस टू 0 निकलेगा। क्या कहते हो, मानते हो कि नहीं मानते, ठीक है। और यहाँ पे भी ये इसके साथ कंबाइन हो गया, मतलब तुम यदि आरबीजी का निकलोगे, चलो मैं बता देता हूँ कैसे निकलेगा, आर ए बी इज इन पैरेलल विद क्यू, समझ में आया, इज इन पैरेलल विद क्यू, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, ये वाला हो गया, चलिए क्या हो गया, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई क्यू, पी मल्टीप्लाइड बाई आर ए जी, सॉरी पैरेलल विद मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ रिजल्ट देगा ना, मल्टीप्लाइड बाय दिस एस, मतलब ये इस बार ये कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई में आएगा। बैलेंस कंडीशन में बेटा यही ना करते हो, ये एस जब सिंप्लीफाई करोगे तो आर ए बी में कोई ज़्यादा इंक्लूजन नहीं आया, अल्टीमेटली वो चीज़ रेक्टिफाई हो गई और यहाँ से आपको जो रिजल्ट मिलेगा एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, एंड दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट, मोस्ट एक्यूरेट है ना, मेगर के बाद मेगा ओम मीटर सही रीडिंग देता है, मेगर के बाद मेगा ओम सही रीडिंग देता है, समझ में आया, क्लियर है, मज़ा आया। ठीक है, यही चीज़ है जहाँ पे एक्चुअली बच्चे अटकते हैं और हम भी इसी फीस, इसी चीज़ का हम चार्ज करते हैं आपको, चीज़ यहाँ से जितना यूटिलाइज कर सकते हो वो आपके ऊपर है। कई बच्चे हमको बोलते हैं सर नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, नोट्स नहीं मिल रहे हैं, है ना, और मेरी कंडीशन, घर की कंडीशन ऐसी है, ये है वो है, मैं सब समझ सकता हूँ, मैं भी उसी स्थिति से गुजरा हूँ। ठीक है, मैं भी है ना अपने है ना कॉलेज के सेकंड ईयर से मैं पढ़ाना चालू कर दिया था, सो दैट थोड़ा अर्न करके और खुद की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकूँ। इवन मैंने कॉलेज की फ़ीस भी, ठीक है, 2 साल की खुद पे की थी। ठीक है, कंडीशन मेरे साथ भी वही थी, आपके साथ भी वही है। ठीक है, अब बात यह है आपके साथ फ़ायदा क्या पता है, आपके पास नेट है और इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली क्या करता है, आपको बहुत सारे सोर्सेज है, पर वो सोर्सेज है ना इधर उधर बिखरे हुए हैं, आपको ना कलेक्ट करना है, यहाँ से कलेक्ट कर लिया, मेरे से पढ़ लिया, कभी दूसरे से पढ़ लो, दूसरा अच्छा लग रहा है, अल्टीमेटली फ़ायदा अपना देखो। ठीक है, यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, मैं अच्छा लग रहा हूँ मेरे से पढ़ लो, मेरे से कुछ पॉइंट नोट कर लो, शॉर्ट नोट्स पे बिठाते जाओ, मेरे पास भी देखो हमेशा पेजेस तैयार रहते हैं, वी आई एम ऑलवेज हैविंग सम पेजेस। ठीक है, मैं लिखते रहता हूँ और उसी से एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा फ़ायदा होगा। यदि इस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो सर, मोस्ट एक्यूरेट मेगर है, मोस्ट एक्यूरेट मेगर है। ठीक है, इस तरीके से बेटा आपको ये चीज़ फ़ायदा करेगी। ओके, सो ऐसा बिल्कुल भी अपने आपकी कंडीशन को है ना ऐसा ना अपने ऊपर हावी मत होने दो उस कंडीशन को। ठीक है, तुम खुद चेंज कर दो आने वाले समय में, पेशेंस रखो, मेहनत करो, तुम्हारी जो लाइफ है ना उससे वे बेटर देन हो जाएगी, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, सो दोस्तों ये रहा मेरा थ्योरी सेशन, आई विश कि अच्छा लगा होगा। ठीक है, फटाफट बताओ, थोड़ा जोश हाई कर लो यार, थोड़ा ठीक है, थोड़ा जोश हाई कर लो। ठीक है, और आज है ना अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस, मुझे नहीं पता कितने हैं, 20 के आसपास हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, एक दो कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, थ्योरी सेशन ख़त्म, थ्योरी कंप्लीट, रेजिस्टेंस की पूरी थ्योरी करो। अब हम क्या करेंगे, एमसीक्यू सेशन अटेंड करेंगे। एमसीक्यू में अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन के लिए
वन मार्क प्रोवाइडेड होगा, रॉन्ग क्वेश्चन के लिए जीरो मार्क है। अभी भी मैं जीरो मार्क लेके चल रहा हूँ क्योंकि कल तुम लोगों ने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखाई और जिससे मुझे थोड़ा दुख हुआ, है कि नहीं? नहीं नहीं, नहीं क्लास काहे ऑफ हो गई भाई? जबरदस्ती वहाँ सर ज्ञान की बातें, अरे करना पड़ता है भाई, करना पड़ता है, ठीक है। यही ज्ञान है जो आपको आगे बढ़ा सकता है, ये एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको शेयर कर सका। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इस चीज़ को ट्राई करिएगा, ठीक है। हमेशा एक्सपीरियंस है आपके लोगों के लिए। चाणक्य एक ही चीज़ बोलता था, यदि खुद के एक्सपीरियंस से आगे बढ़े ना तो तुमको सालों लग जाएंगे तब भी ना कुछ उखाड़ पाओगे। चंद्रगुप्त को जब ट्रेनिंग वेनिंग दे रहा था ना, है ना, ट्रेनिंग वेनिंग दे रहा था, तो चंद्रगुप्त को यही बोला है कि बेटा कुछ ना उखाड़ पाओगे यदि खुद के एक्सपीरियंस से, क्योंकि चंद्रगुप्त का तो थोड़ा हट्टी टाइप का था ना, ना उखाड़ पाओगे बेटा, तो उसको बुरा लग गया। तो कहा कि भैया हम तो भैया समझ रहे हो, अब तो कुछ करेंगे। तो कहा उसको ये समझाया कि भाई तुमको यदि कहीं से ज्ञान मिल रहा है, इससे मिल गया, इससे मिल गया, ले लो उसको, यूटिलाइज करो। और जो चीज़ तुम 10 साल में कर रहे हो वो क्या पता तुम एक साल में उखाड़ के रख दो, ठीक है। तभी ना मगध के सम्राट बने थे। अरे यार क्या बता, कहानी वानी भूल गए। चलो स्टार्ट करते हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर वन, फटाफट आंसर दीजिए। यस यस, चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए चलिए फटाफट फटाफट अब स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से मुझे आंसर बताते जाइए। एक क्वेश्चन एक मिनट, एक क्वेश्चन एक मिनट, एक क्वेश्चन एक मिनट, जल्दी से मुझे बताइए क्या है आज का, जल्दी से फटाफट 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 एक एक करके बताते जाइए। हाई रेजिस्टेंस कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द सिंपल एमीटर वोल्ट मीटर प्रिंसिपल बिकॉज बिकॉज आपका स्टोरी यूनिक है। एक दिन मैंने, अभी नवरात्र चले जाने, इसके बाद मैंने तुम लोग को ये भस्मासुर की कहानी बताऊंगा, ठीक है। भस्मासुर की कहानी बताएंगे एक दिन, ठीक है, एक दिन फ्लो में आएंगे ना। मेरा टेक्निकल बहुत कमज़ोर है, क्या कर सकते हैं, प्लीज़ हेल्प मी। टेक्निकल कमज़ोर है तो आप थ्योरी ट्राई करिए कि एक बार जैसे नोवेल जैसे पढ़ते हैं वो कर लीजिए, इंटरेस्ट आएगा। फिर एक बार वापस थोड़ा करने की कोशिश करिए, देन ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए, तभी आपको थ्योरी पे कमांड आएंगे, ठीक है। यदि केवल थ्योरी में आप फंसे हैं ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, ठीक है, और वो कॉन्फिडेंस आपको सालों भर नहीं आ सकता, ठीक है। चलिए सब बच्चे आंसर दे रहे हैं, सी 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 पावर लॉस विल बी है, बिल्कुल सही आंसर सी है, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस में लीकेज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। किस बच्चे ने गलत आंसर दिया भाई, उससे तो भाई खिट्टी हो गए, बचपन में नहीं करते थे लड़के लड़की लोग, ठीक है, खिट्टी हो गए, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। फिर वो लड़का मनाता था लड़की को, भाई वाला सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा ये जो है ना इंसुलेशन है, और इसी चीज़ को तो मैंने बताया था, है कि नहीं, इस इंसुलेशन में क्या हुआ, ऐसे करंट एक्स्ट्रा बहता है, कैपेसिटर का चीज़ बताई थी, वॉच कर लेना आपको समझ में आ जाएगा। तो लीकेज करंट कैन नॉट बी निगलेक्टेड, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, सिंपल एमीटर वोल्ट मीटर से मेजर नहीं करते, ठीक है। और हम जनरली क्या करते हैं, वो चार मेथड का यूज़ करते हैं जो आप लोगों को मैंने बताई। लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर टू। बकैती कम काम ज़्यादा, बकैती भस्मासुर, अरे भस्मासुर की कहानी तो गजब है भाई, समझ रहे हो, जिससे आशीर्वाद लिए उसी की बीबी को लाइन मारने लगे, तो निर्लज्ज इंसान था पूरा, समझ रहे हो, जिससे तुम आशीर्वाद लिए उसी की बीबी को लाइन मारने लगे, तो गलत चीज़ है ना। तो भाई शिवजी गुस्साएंगे नहीं, चलो कभी कहानी बताएंगे, ठीक है। माइथोलॉजी इज नथिंग बट इट्स अ सिंपल मिथ्स, है ना, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत ट्रू स्टोरीज हैं। और तुम लोग कल मेरे को है ना फॉर्म में कर दो, बी बी आंसर बी। हाई रेजिस्टेंस आर प्रोवाइडेड विद अ गार्ड टर्मिनल, हाई रेजिस्टेंस हम गार्ड टर्मिनल के साथ करते हैं, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हम ऑप्शन नंबर बी 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 ओके बाईपास द लीकेज करेंट, बिल्कुल बहुत सही। इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं, गार्ड वायर का यूज़ करते हैं या गार्ड रिंग जिसे बोलते हैं, सो दैट वी कैन बाईपास द दैट इज लीकेज करेंट, है ना, लीकेज करेंट, बहुत बढ़िया, लीकेज करेंट बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ गार्ड सर्किट। आज मुझे ना सब अपने वो बताना, थोड़े से नंबर बताना कि कितने क्वेश्चन, जितने भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो अकॉर्डिंगली आप अपने नंबर जरूर बताइएगा। जल्दी से फटाफट फटाफट मुझे आंसर दीजिए। गार्ड सर्किट आर जनरली यूज फॉर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस, आंसर क्या है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी बताते जाओ, इसमें इतने इतने लेट नहीं लगाना है, फटाफट फटाफट, क्योंकि अभी ना बहुत खतरनाक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए बेटा, एक मिनट बच्चों, वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन वन टू थ्री, चलिए तो क्वेश्चन नंबर थ्री का जो आंसर है वो रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द लीकेज, है ना, सिंपल आंसर था।
क्वेश्चन नंबर फोर, जल्दी से मुझे आंसर बताइए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द लॉस ऑफ चार्ज मेथड, लॉस ऑफ चार्ज मेथड, लॉस ऑफ चार्ज मेथड, जल्दी आंसर दीजिएगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। लॉस ऑफ चार्ज मेथड, ऐसी कौन सी मेथड है जो हम लॉस ऑफ चार्ज मेथड के लिए यूज करते हैं, लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, लो इंडक्शन एंड हाई इंडक्टेंस, लो इंडक्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस, लो हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही, द बी ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट। लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है, ये भैया ए के सावनी का क्वेश्चन है, एक, ठीक है, एक कोई बोल रहा था कि उसने ये क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, एक बच्चा को बोल रहा था कि ये सर ये तो हमें इस कोचिंग ने करा के रखा है। अरे मेरे भाई, ए के सावनी पूरी दुनिया प्रीफर करती है, ठीक है, तो उसका हक नहीं बन गया है कि उसी का क्वेश्चन हो गया, नया क्वेश्चन वो फ्रेम करे तब बोले ना, समझ रहे हो, तो ये गलत चीज़ है। ए के सावनी को मैं पहले बता देता हूँ, निकल को तुम लोग है ना क्वेश्चन उठाने लगो सर की, है ना, इंटेलेक्चुअल्स पे, जल्दी से मुझे आंसर दे के बताइए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेंथ ऑफ द केबल इज टेस्टेड फॉर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है, बाय द लॉस ऑफ चार्ज मेथड, लॉस ऑफ चार्ज मेथड का यूज करके केबल का जो इंसुलेशन है वो मैं मेजर करने वाला हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर ऑफ द इन्फिनाइट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन द केबल एंड ये, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पे जो मेथड यूज करने वाले हैं वो लॉस ऑफ चार्ज मेथड है, पहली बात, ठीक है, तो दिमाग में पहले ही जो फॉर्मूला है ना वो पुट अप हो जाना चाहिए। तो आर इंसुलेशन का जो फॉर्मूला है, किसी को याद है, एग्जाम में भी बुक वाले ही क्वेश्चन आते हैं सर जी, यस डियर, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यू क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं, बट लैंग्वेजेस आर एक्चुअली चेंज, ठीक है, चलिए चलते हैं। लॉस ऑफ चार्ज मेथड, लॉस ऑफ चार्ज मेथड मैंने 0.4343 डिवाइडेड बाय कैपेसिटर log base 10 कैपिटल V मतलब सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाई VC, यही फॉर्मूला था। आपको कुछ नहीं करना है, आप पहले पता करिए टाइम कितना हुआ, 1 मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम पुट करोगे वो 1 मिनट को आप 1 मत पुट करना, आप इसको सेकेंड्स में करना, तो 60 सेकेंड्स पुट कर देना पहली बात, ठीक है। नेक्स्ट, वोल्टेज फॉल्स फ्रॉम 250 to 90 volt, कहने का मतलब ये है कि पहले जो वोल्टेज था बेटा, पहले जो वोल्टेज था वो कितना था, अरे फटाफट बताओ बेटा, पहले जो वोल्टेज था वो इतना था, अबे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, पहले जो वोल्टेज था वो इतना था, मैक्सिमम वोल्टेज मतलब 250 वोल्टेज, मतलब ये क्या हो गया आपका, सोर्स का वोल्टेज हो गया कि नहीं होगा, सोर्स का वोल्टेज है कि नहीं, डिस्चार्ज हो रहा है ना, कितनी रोटी तुमने खा के रखी वो डिपेंड करेगा, है ना, मैंने तुम्हारे थाली में 5 रोटी परोस दी, ठीक है, तो तुम 5 रोटी खा के उसको एनर्जी लोगे फिर डिस्चार्ज हो गए, तो यहाँ पे सोर्स वोल्टेज कितना हो गया, वी हो गया, तो वी की जगह आप क्या पुट करोगे, 250, तो 250 मतलब कैपिटल वी, देन फिर 92 हो गया, एक मिनट में वो 92 हो गया, मतलब ऐसा समझिए कि डिक्रीज करते हुए यहाँ पे पहुँच गया, ये जो समय लगा वो 1 मिनट का लगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज आ गया 92, मतलब वी सी की जो वैल्यू है वो 92 है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कैपेसिटर, सॉरी क्वेश्चन में कैपेसिटर की जो वैल्यू है 600 पिको फेरेड, तो कैपेसिटर इज 600 पिको फेरेड, मतलब 10^-12 है ना फेरेड, इतनी वैल्यू आ रही है। आप इसको सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ क्या आंसर है। फॉर्मूला थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा सर, क्लियर नहीं दिख रहा, वन सेकेंड वापस रिपीट कर देता हूँ, 0.4343 t, ठीक है, दिस इज़ अ टाइम, सी लॉग 10, ठीक है, लॉग बेस 10, है ना, ये मैंने ऑलरेडी अभी बताया भी था अच्छे से बेटा, है ना, v डिवाइडेड बाई vc, अब समझ में आया, v डिवाइडेड बाई vc, प्लीज़ बच्चों आंसर दीजिएगा, मेरे पास इसका आंसर है, हाउ मच, कितना आ रहा बच्चा, विदाउट कैल्सी, नो, यहाँ पे आप कैल्सी यूज करिए, कैल्सी यूज कर सकते हैं। अब कहोगे सर फिर वहाँ पे तो नहीं होता, मेरे भाई यदि होता है नहीं होता है, मुझे नहीं पता, मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, एग्जाम में आना होगा उसके हिसाब से हम क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है जहाँ पे कैल्सी की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी और आपका काम आसान हो जाएगा, बट जिसमें कैल्सी की रिक्वायरमेंट है प्लीज़ करिए, एग्जाम में अलाउ नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अलाउ है, प्रैक्टिस तो कर लो, क्या पता डेटा तुम्हारा आसान आए, क्या पता बेटा तुमको ये बोल दे 100 / 10 बोल दे, तो 100 / 10 कितना होता है, 10 है ना होता है, और log 10 base 10 कितना होता है मुझे ये बताओ, log 10 base 10 कितना होता है, 1 नहीं होता, ये कोई भी नहीं जानता, डेटा ऐसा भी हो सकता है ना कि तुमको आसान दिया जाए, अभी जो है उसके अकॉर्डिंग करो ना, गजब बकैती मारते हो यार, कसम से तुम लोग मज़ेदार लोग हो तुम लोग, तो बकैत बकैत हो, तुम लोग का नाम बकैत रखना चाहिए। वन आंसर बोल रहा है काहिल भाई, अच्छा उसका आंसर बता रहे हो, वन बता रहे हो, ठीक है 0.4343, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, एग्जैक्ट आंसर बेटा क्या है, एग्जैक्ट आंसर प्लीज़ वेरीफाई कर लीजिए,
100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, ठीक है, मतलब ये 100 है ना, 9 में आ रहा है, या आप ऐसा लिख सकते हो 10 रेज टू पावर, एक दो और ऐड हो गया तो 10 रेज टू पावर 11, ओ ये आ रहा है, समझ में आई यहाँ तक चीज़ें, 10 रेज टू पावर 11, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर, बहुत बढ़िया दिया, ठीक है, मज़ा आया मज़ा आया। लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन अ कैपेसिटर वॉज कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ ए ओम मीटर, मतलब कह रहा है कि ओम मीटर से यदि हमने उसको कनेक्ट कर दिया, पॉइंटर इंडिकेट अ लो रेजिस्टेंस इनिशियली देन स्लोली केम टू द इन्फिनाइट पोजिशन शोज दैट, और कभी भी ओम मीटर बोला जाए ना, ठीक है, तो दिमाग में थोड़ा सा मेगा ओम मीटर को रखते हुए दिमाग में थोड़ा आइडिया लगा लेना, ठीक है, और फिर उसके हिसाब से काम कर लेना, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुई चीज़ें, क्या क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। तो कैपेसिटर वॉज कनेक्टेड एट द टर्मिनल्स ऑफ द ओम मीटर, ओम मीटर के जो भी टर्मिनल, ओम मीटर एक मीटर है, उसके टर्मिनल्स पे, ओम मीटर एक मीटर है और उसके टर्मिनल्स पे आपने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो पॉइंटर इंडिकेटेड द लो रेजिस्टेंस इनिशियली देन स्लोली केम टू द इन्फिनाइट पोजिशन, ठीक है, तो क्या करेगा वो इन्फिनाइट पोजिशन पे आ जाएगा, यही ना मतलब है, तो इन्फिनाइट पोजिशन पे आ गया तो वो किस चीज को शो करेगा बेटा, कैपेसिटर में एक्स ही है ना, इनिशियली क्या है, लो रेजिस्टेंस है, इनिशियली लो रेजिस्टेंस है, जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होना चाहिए, ऑल राइट, कैपेसिटर बहुत बेसिक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल है बेटा, बेसिक इलेक्ट्रिकल है, सिक्स का आंसर सी बोल रहे हैं, सब सी बोल रहे हैं, कोई और भी आंसर बी बोल रहा है, कोई बी आंसर बोल रहा है, ऑल राइट, अच्छा ऑल, अच्छा ओके ऑल राइट बोल रहा है, ठीक है, ऑल राइट नहीं बोल सकते, ठीक है, दिस शोज दैट द कैपेसिटर इज, कैपेसिटर क्या है, वन सेकेंड कुछ लैंग्वेज, व्हेन अ कैपेसिटर वॉज कनेक्टेड टू द लो रेजिस्टेंस इनिशियली देन द स्लोली केम टू द इन्फिनाइट पोजिशन देन द कैपेसिटर इज, इन्फिनाइट पोजिशन पे जब तुम्हारा पहुंच गया ना उससे रिलेटेड बोल रहा बेटा, इन्फिनाइट पोजिशन पे जब पहुंच गया ना उससे रिलेटेड बोला, इनिशियली वो क्या था, ओम, अच्छा यहां पे ओम मीटर द पॉइंटर इंडिकेटेड द लो रेजिस्टेंस इनिशियली, यदि वो लो रेजिस्टेंस इंडिकेट कर रहा है इनिशियली और फिर फाइनल पोजिशन पे पहुंच रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि एक्सी आपका क्या है, इन्फिनाइट है, मतलब क्योंकि एट ए टी इक्वल टू जीरो, इनिशियली का मतलब जब भी प्रोसेस बेटा स्टार्ट होती है उसको हम टी इक्वल टू जीरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा, टी इक्वल टू जीरो बोलते हैं, ठीक है, और टी इक्वल टू जीरो पे एक्सी की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनाइट होती है, ठीक है, टी इक्वल टू जीरो पे जो एक्सी की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई बेटा, इन्फिनाइट हो गई, ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट राइट है, ठीक है, ओपन सर्किट आपका क्या होगा, राइट होगा, समझे कि नहीं समझे, क्लियर है, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट कुछ, ठीक है, फटाफट, फोर टर्मिनल रजिस्टर्स आर यूज फॉर रजिस्टेंस वैल्यूज, फोर टर्मिनल रजिस्टर्स आर यूज फॉर रजिस्टेंस वैल्यूज, फोर टर्मिनल किसके लिए बेटा यूज होता है, फोर टर्मिनल जो है वो किस चीज़ के लिए यूज होता है, जल्दी से बताओ, फोर टर्मिनल दिमाग में याद होना चाहिए, फोर टर्मिनल काहे के लिए यूज होता है, जल्दी से बताओ, फोर टर्मिनल एक ही जगह हमने फोर टर्मिनल पढ़ा है, जल्दी से बोलो, लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस, बहुत सही बहुत सही, तो फोर टर्मिनल से रिलेटेड जो हम ब्रिज पढ़ते हैं, ठीक है, वो केल्विन ब्रिज पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा वहाँ से आइडिया लगा के रखना, और अल्टीमेटली वो लेस देन क्या होता है, वन ओम होता है, फोर टर्मिनल, टू टर्मिनल, थ्री टर्मिनल, तीन रेजिस्टेंसेज होते हैं और फोर टर्मिनल मतलब आपका लो रेजिस्टेंस से होता है एंड दैट इज अ लेस देन वन ओम, क्लियर है, चलिए लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से, थ्री टर्मिनल हाई रेजिस्टेंस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सही बोला, और थ्री टर्मिनल आपको पता भी होना चाहिए, अभी एक डायग्राम भी बनाया था जिसमें मैंने रेजिस्टेंस को दिखाया था, और तीन टर्मिनल मैंने बताए थे, ठीक है, और यहाँ से इंसुलेशन वाला था इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से जी बताया था, दिस इज द थ्री टर्मिनल, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, हाई रेजिस्टेंस, याद रखना, ये भाई पकड़ के रखा है, बहुत सही बोला, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, और मीडियम के लिए टू टर्मिनल होता है, ये सब याद रखना, फोर टर्मिनल लो रेजिस्टेंस, थ्री टर्मिनल आपका क्या हो गया, हाई रेजिस्टेंस, और टू टर्मिनल आपका क्या हो गया, मीडियम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मेजरिंग द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द केबल यूजिंग द डीसी सोर्स गैल्वेनोमीटर यूज्ड शुड बी इनिशियली शॉर्ट सर्किटेड, इनिशियली क्या होना चाहिए, शॉर्ट सर्किटेड होना चाहिए, काहे भाई, ठीक है,
अब इनमें से कौन सा आंसर आपका सही है, सुटेबल कौन सा है, बताइए बताइए जल्दी से। सी आंसर कोई बोल रहा है, सी आंसर कोई बोल रहा है, सी आंसर। केबल हैव द लो वैल्यू ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस, कहने का मतलब बोल रहा है कि केबल का जो है लो इनिशियल रेजिस्टेंस होता है। चलिए देखते हैं, केबल हैव द लो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस एंड ड्रॉज अ हाई वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट, बिल्कुल गलत है। यदि कैपेसिटर ज़्यादा है तो चार्जिंग करंट भी आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया। केबल्स हैव द हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विच ड्रॉज द हाई वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट एंड दिस इज द परफेक्टली राइट। क्यों? कैपेसिटर जो होता है इनिशियली जब आप शॉर्ट सर्किट करते हो, तो मैंने इंसुलेशन के लिए बताया था, कैपेसिटर का फॉर्मेशन करके बताया था, बीच में डाई इलेक्ट्रिक होता है, ठीक है, वो बताया था ना डायग्राम, है ना, लॉस ऑफ किस में बताया था, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन में। तो जिसने नहीं बताया, जिसको नहीं समझ में आया, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में अभी चले जाना आज के लेक्चर में, उसमें आपको पूरा प्रॉपरली तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटर यदि आपका ज़्यादा है तो चार्जिंग करंट मतलब कितना होता है, ओमेगा सी वी, ओमेगा सी वी, ठीक है। तो यदि आपका कैपेसिटर ज़्यादा हो जाता है तो चार्जिंग करंट भी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए फटाफट। लॉस ऑफ चार्ज मेथड दिया गया। अब बेटा कोई बच्चा बोल रहा था कि कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, फिर से लॉस ऑफ चार्ज मेथड क्या है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब मुझे इसका आंसर जल्दी से बताओ, क्योंकि ये आपको ऐसा समझो कि इसमें आपको है ना कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फॉर्मूला है कैपेसिटर की, फॉर्मूले वैल्यू भी वैसी ही दी गई है जैसा उस फॉर्मूले में वैल्यू है, ठीक है। तो थोड़ा सा करो और जल्दी से मुझे आंसर बता दो। शुभम ने बहुत सही आंसर बताया, शुभम ने 120 ओम, आई थिंक 120 है मेरे को जहां तक याद है। कहां गया भाई, यस 120 ओम, दैट इज अ डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा ये, अच्छा इसको सी बोल दो और इसको डी बोल दो, ठीक है, वॉट एवर इज द सी ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट, दैट इज अ 120 मेगा ओम, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल वैल्यू कट जा रही है, बिल्कुल सही बोला। इसीलिए तो मैंने तुम लोग को क्या बोला था कि वैल्यू जो है ना वो आपको कैसे भी मिल सकती है ना। अब देखो आर इंसुलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो 0.4343 मल्टीप्लाइड बाई द टाइम डिवाइडेड बाई कितना हुआ कैपेसिटर लॉग बेस 10, ठीक है, और यहाँ से कितना हो गया वी डिवाइडेड बाई वी सी। अब यार देखो एक चीज़ खुद सोच के देखो, यहाँ से कैपेसिटर को हटाओ है ना, और इसका कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है 0.4343 × 10⁻⁶, 4343 तो कैंसिल हो गया ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी बाई वी सी कितना हुआ, वी बाई वी सी देखो पहले क्या था 10 वोल्ट था, फिर 1 वोल्ट हो गया, तो मैंने क्या बोला देखो वैल्यू देखने को मिली ना, और लॉग 10 कितना होता है 1 हो गया है ना। अब टाइम की वैल्यू कितनी दी गई है उसको आपको निकालना है, 2 मिनट्स दिया गया है। अब 2 मिनट्स है तो 2 × 60 सेकेंड्स अल्टीमेटली आपको कितना हुआ 120 है ना, 120 10⁻⁶ ऊपर चला गया तो मेगा ओम, समझ रहे हो। यहाँ पे कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ी नहीं पड़ी, तो कहने का मतलब है मैं आपको डेटा ऐसा दे सकता हूँ जिससे आपका काम आसान बन जाए और कैलकुलेशन हो जाए। तो फॉर्मूला छोड़ने का नहीं है, ठीक है, समझ में आई कुछ चीज़ें, सीख के जा रहे हो ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर टेन फटाफट, ठीक है, 5 मिनट के अंदर सब क्वेश्चन खत्म करना है। पोटेंशियोमीटर इज यूज टू मेजर द वोल्टेज बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द डीसी सर्किट विच इज फाउंड एज अ 1.2 वोल्टेज, इट इज ऑल्सो मेजर्ड बाई द वोल्ट मीटर, मैंने वोल्ट मीटर के द्वारा मेजर किया गया, विच इज फाउंड टू बी 0.9 वोल्ट, जो कितना फाउंड किया गया 0.9 वोल्ट, समझ में आया, ठीक है। पोटेंशियोमीटर याद है ना, कल मैंने बताया था, कल के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए, एक किया आर टी है, एक किया एस है, इसके अक्रॉस मेजर किया है ना, तो वी आर बोल देंगे, इसके अक्रॉस मेजर किया तो वी एस बोल देंगे। अल्टीमेटली वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जल्दी से आंसर बताओ, प्लीज लेट मी नो द आंसर। फटाफट आंसर बताइए बच्चों। फटाफट आंसर बताइए। अरे अच्छा सी 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 बोल रहे हैं, ठीक है, जो भी है शायद सी आना चाहिए, पता नहीं, एक मिनट लेट मी चेक। 20 किलो ओम आंसर आ रहा है, तो बी आंसर आपका आ रहा है बेटा सही। 45 तो नहीं आ रहा है, सी इज़ नॉट राइट,
आप लोगों ने सबने गलत कर दिया क्या, या फिर कहीं पे वैल्यूज गलत दी हुई है, ऐसा कुछ हुआ? चेक किया जाए। सी अभी भी बोल रहे हो क्या? एक बार चेक करो, क्या पता ये आपका 20 किलो, मेरे हिसाब से 20 किलो ओम होना चाहिए। 10 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है बी अब मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, एंड दैट इज़ अ 20 किलो। अब आप चेक करिए कि कहीं पे क्या गलती हुई है। चालू करें। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज, देखिए क्या बोला, पोटेंशियोमीटर इज यूज टू द वोल्टेज बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ द डीसी सर्किट विच इज फाउंड एज अ 1.2 वोल्ट, है ना, कितना है 1.2 वोल्ट। फिर ये बोला कि वोल्ट मीटर इतना है और उसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है, ठीक है, जिसके अक्रॉस लगा हुआ है वो 60 किलो ओम है। तो मेरे भाई एक चीज़ बताना, वोल्टेज जो है वो रेजिस्टेंस के क्या है, डायरेक्टली पैरेलल है। तो कहने का ये मतलब है यदि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम ये बोल सकते हैं 0.9 जो वोल्टेज है उसके करस्पॉन्डिंगली आपको 60 किलो ओम देखने को मिल रहा है। अब जो नया वोल्टेज है वो कितना है, पूरा जो डीसी सर्किट का है, इज यूज टू मेजर द वोल्टेज बिटवीन द टू पॉइंट्स, जो टू पॉइंट्स के बीच में आपको मेजर करना है, ठीक है, ओके, वो कितना है, मान लीजिए उसको हमने वी एक्स ले लिया, लेट अस सपोज, और उसके करस्पॉन्डिंगली रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, वो हमको बताना है एक्स। अब वी एक्स की बेटा वैल्यू तुमको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो कहने का मतलब कितनी प्रोवाइडेड है, 1.2। अब इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लो तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 60 किलो ओम मतलब 60 × 1000 डिवाइडेड बाय, नहीं, मल्टीप्लाइड बाय द 1.2 डिवाइडेड बाय 0.9, ठीक है, इसको सॉल्व करो और एक्स की वैल्यू बताओ, हाउ मच इज़ दैट। मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले से मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है, बाकी आप दूसरी भी मेथड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा सक्सेसफुल मेथड है, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आई, 20 किलो ओम, बोलो हाँ समझ में आया, थोड़ा जोश दिखा दो, 20 किलो ओम, थोड़ा जोश दिखा दो, फटाफट मुझे बता दो, समझ में आया? नहीं अश्विनी, सी नहीं होगा, बी आंसर है, 45 किलो नहीं आ रहा है, ठीक है, रॉन्ग है। यदि आप किसी मेथड से निकाल भी रहे हो तो रॉन्ग मेथड है, आप खुद समझने की कोशिश करिए यहाँ पे किस तरीके से दिया गया, ठीक है। किसी भी एक, यदि वोल्ट मीटर से आप मेजर करते हो किसी भी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को, पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके, पोटेंशियोमीटर का ये मतलब है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का यूज़ करके हम ये टेस्ट रेजिस्टेंस को निकालते हैं, तो हमने वही किया यहाँ पे, ठीक है, हमने वही किया है, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आपकी वोल्ट मीटर से रिलेटेड और ये वैल्यूज़ दी गई हैं, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 60 किलो ओम है, इसके अक्रॉस 0.9 का आपको वोल्टेज मिल रहा है। सेकेंडली आपने जो यहाँ पे मेज़र किया, ठीक है, डीसी टू पॉइंट्स के बीच में जो अननोन वैल्यू है वो ये है, क्वेश्चन थोड़ा अलग वे में बताया गया पर इसका ये मतलब नहीं, आपको समझ में नहीं आना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें, अब क्लियर हो रही है, ठीक है, सो प्लीज़ कीप इट अप, थोड़ा सा समझेंगे, पेशेंस लेंगे, मज़ेदार तरीके से करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर दीजिए, मुझे बताइए, ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है बट टाइप्ड थोड़ा उलटपटांग तरीके से हो गया है, ठीक है, तो कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, सेम तरीके का क्वेश्चन है जैसा अभी जस्ट अभी किया, ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन है। प्लीज सी, 80 आ रहा है, 80 आ रहा है, ओके, हाँ, अरे कहीं गड़बड़ी हुई है, बताए गड़बड़ी क्या हुई, गड़बड़ी हो गई बहुत बड़ी, मैं भी है ना फ्लो में, अच्छा 80 आ रहा तो गलत हो गया ना, फिर तो ऑब्वियस गलत है, आंसर 20 किलो ओम है तो मतलब 20 किलो ओम ही होगा। चलो कहाँ पे गड़बड़ी है मैं बता देता हूँ, ठीक है, आपको है ना फ्लो में बताने के चक्कर में मैं अब खुद ही फ्लो में चला गया। देखो एक्चुअली क्या हुआ, पोटेंशियोमीटर इज यूज टू मेजर द वोल्टेज बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ द डीसी सर्किट, मतलब ये जो है वो डीसी सर्किट है और इसकी वैल्यू कितनी है, 1.2 वोल्ट है, ठीक है, मैं खुद गलती कर दिया, सॉरी फ्रॉम माय साइड, ठीक है, हो जाती हैं, ठीक है, छोटी छोटी का, हम भी इंसान हैं, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। चलिए अब समझते हैं और इसको बेसिकली वापस करते हैं, 0.9 के अकॉर्डिंगली, ठीक है, 0.9 के अकॉर्डिंगली 60 किलो देखने को मिल रहा है, क्योंकि बेटा यहाँ पे आप ये समझने की कोशिश करिए, ठीक है, यहाँ पे ये समझने की कोशिश करिए, हम इसका वोल्टेज ना फाइंड करेंगे, तो जब 1.2 टोटल वोल्टेज हो चुका है, जब
कहने का मतलब है यदि 1.2 टोटल वोल्टेज हो चुका है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज जाएगा, क्योंकि ये 0.9 वोल्टेज है तो 1.2 में से 0.9 गया तो 0.3 गया ना, समझ रहे हो मेरी बात है, उसके अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू आएगी। अब प्लीज़ फाइंड करो, अब आंसर पक्का आपका 20 किलो आने वाला है। 3×9=9 ठीक है, सो मेरी गलती है वो, ठीक है, सो एग्जैक्ट आंसर इज 20। अब क्लियर है बोलो, ठीक है, फटाफट यार जोश दिखा दो, थोड़ी बहुत गलती होगी तुम लोग तो नाराजगी से दिखाने लगे हो, ठीक है, अब क्लियर है, नाउ क्लियर, बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ ध्यान दे लिया। देखो ये होता है कैलकुलेशन थोड़ा कर रहे हैं बच्चे, तो इससे ये भी पता चल रहा है कि ध्यान हुआ है, ठीक है। देखिए, इज यूज टू मेजर द वोल्टेज बिटवीन द टू पॉइंट्स, डीसी सर्किट है ना, क्योंकि वहाँ पे हम डीसी सर्किट का यूज़ करते हैं, कल ही हमने बताया था, तो उसके अक्रॉस 1.2 है, स्टैंडर्ड वैल्यू आपको कितनी दे दी गई है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के हमने पता कर लिया, दैट इज 0.9, बचा हुआ वोल्टेज बेटा यहाँ पे आएगा, और जो कितना हो गया 0.3 हो गया। 80-60 से भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है, 80-60 से भी कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ वो भी सही है, 80-60 से भी कर सकते हो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आंसर दीजिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अब इसका आंसर दीजिए प्लीज़, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है, ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ द लो रेजिस्टेंस यूजिंग द पोटेंशियोमीटर द फॉलोइंग रीडिंग्स वर ऑब्टेंड, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द अननोन रेजिस्टेंस, मतलब आरटी से रिलेटेड, इस बार गलती नहीं करेंगे, आरटी की वैल्यू 0.531 है, ठीक है, एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, क्या बोला, वोल्टेज ड्रॉप, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो वोल्टेज ड्रॉप है, तो ये मतलब VR की वैल्यू दी गई है, समझ गए, और ये क्या दिया गया है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, मतलब ये S की वैल्यू दी गई है और ये VS की वैल्यू दी गई है। अब निकाल लो फटाफट VR की वैल्यू, मुझे बताओ जल्दी से, मुझे बताओ फटाफट फटाफट फटाफट, ये 30 हो गया, आई थॉट कि मतलब 8:15 तक निपटा दूंगा आज मैं, चलो अच्छा है, आप लोगों का भी एंगेजमेंट देखा जा रहा है आज, ठीक है, अब आंसर बताओ मुझे, समझ में आ गया, क्लियर, जल्दी से मुझे बताओ VR की वैल्यू कितनी है, जल्दी से मुझे बताओ VR की वैल्यू कितनी है, VS की वैल्यू कितनी है, जल्दी से मुझे बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, ये आंसर आ रहा है, ठीक है, आंसर ये आ रहा है, इसमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट थी तो इसका आंसर, हाँ चलिए, और कोई बच्चा बताएगा, और कोई बच्चा बताएगा, कैलकुलेटिव है, एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर केवल एक शुभम ही बता रहा है, बस केवल एक शुभम बस बता रहा है यार, गलत बात है ना, अरे तुम लोग का जोश कहाँ डाउन हो रहा है अभी, हैं, श्वेता का भी आ गया, अरे बाकी लोंडो कर का रहे हो तुम लोग, आंसर वांसर चालू करो। है क्वेश्चन देखोगे तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया ना, पोटेंशियोमीटर वाला है, तुमको वोल्टेज का पता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, बस इसी फॉर्मूले से हमको यूज़ करना है, तो वी आर के करस्पॉन्डिंगली आपका रेजिस्टेंस आर आएगा, जो अननोन रेजिस्टेंस जिसे हम आर टी बोलेंगे, और वी एस के करस्पॉन्डिंगली एस का आएगा, अब आर टी की वैल्यू निकाल दो, बस हो गया सिंपल फॉर्मूला, और ए ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट आ रहा है, ठीक है, वोल्टेज डिवाइड, यस सर ओनली वोल्टेज डिवाइड, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, तो कितना हो गया, मतलब यहाँ से आपको क्या देखने को मिला, ए ऑप्शन देखने को मिला, ठीक है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बस इतना याद रखना, पोटेंशियोमीटर में अननोन का यूज़ कर, सॉरी नोन का यूज़ करके हम अननोन फाइंड करते हैं, यही ना मतलब है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, मेगा ओम रीडिंग्स फ्रॉम जीरो और लो ओम्स इज इंडिकेटेड बिटवीन द स्टेटर वाइंडिंग एंड द मोटर फ्रेम, वाइंडिंग इज जल्दी से मुझे आंसर बताइए, वाइंडिंग इज क्या कहलाएगा, बहुत आसान है, तुमको इतना पता है ना कि बाइंडिंग वगैरह के लिए हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, और उसमें आपको जीरो और लो ओम्स आपको देखने को मिला है ना, तो इसका क्या मतलब है, मतलब बाइंडिंग क्या है आपका, यहाँ पे बाइंडिंग क्या हो गया, सी बोल रहा है कोई, सी बोल रहा है, और कोई बच्चा बताएगा, सच्ची में सी वाले सही हैं, या कुछ और होना चाहिए, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट ऐसा कुछ, क्रॉस कनेक्शन ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो बता दो, बोलो, सी ऑप्शन बोल रहा है, सी ऑप्शन, अंसारी जी बी बोल रहे हैं, सीरीज कनेक्टेड बोल रहे हैं, ओके, सिद्धू करक जी ए बोल रहे हैं, ओपन सर्किट बोल रहे हैं, ओके, सूर्यवंशी जी सी बोल रहे हैं उंगली लगा के, ओके, सी हंटर जी भी सी बोल रहे हैं, अरे जवाब दो यार फटाफट जवाब दो, मेगा ओम मीटर में थोड़ा सा दिमाग लगाओ जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है, चलिए
आंसर देते हैं मेगाओमीटर, नॉर्मल कंडीशन और आपकी एक जो है वो जीरो कंडीशन या शॉर्टेड कंडीशन आप जिसे बोलते हो। यदि किसी भी रेजिस्टेंस को ये जनरली मेज़र कर रहा है, ठीक है, किसी भी रेजिस्टेंस को यदि वो जनरली मेज़र करता है तो एक नॉर्मल कंडीशन होती है जब कुछ भी फॉल्ट कंडीशन नहीं है, नॉर्मल कंडीशन चल रही है, देर इज़ नो कुछ भी ऐसी घटना नहीं हुई, ऐसी कंडीशन में जो है वो आपकी वैल्यूज मेगा ओम में प्रोवाइड करेगा क्योंकि वहाँ पे वो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। मान लीजिए कि आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, शॉर्टेड हो जाता है, शॉर्ट कंडीशन हो जाता है, तो ज़ीरो और लो ओम्स इज कनेक्टेड। ज़ीरो और लो ओम्स का कनेक्टेड का ये मतलब है कि स्टेटर वाइंडिंग और मोटर वाइंडिंग शॉर्ट हो गया, तो ठीक है अल्टीमेटली जो मेगा ओमीटर का आप यूज़ करके निकाल रहा हूँ शॉर्ट हुआ ना। शॉर्टेड का कहने का ये मतलब है मेगा ओमीटर के सेंस में दैट इज डायरेक्टली ग्राउंडेड, दैट इज डायरेक्टली ग्राउंडेड। मेगा ओमीटर मैंने दिखाया था ना, ठीक है, इस तरीके से और पूरा आपको ये बताया था, ओके। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है वो एक्चुअली क्या होता है, ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। इंसुलेशन 3 पॉइंट इसीलिए ना बोलते हैं, मेगा ओमीटर मतलब हाई रेजिस्टेंस, दिमाग में याद रखो, मेगा ओमीटर मतलब हाई रेजिस्टेंस। तो जब यदि जीरो और लो ओम का कंडीशन आई, ठीक है, तो वो डायरेक्टली मतलब क्या हुआ, शॉर्टेड हो गए। और मेगा ओम मीटर के केस में जो बोलते हैं शॉर्ट होके कहाँ पे गए, शॉर्ट होके ग्राउंड से कनेक्टेड है, क्योंकि वो शॉर्ट होने के बाद जैसे एलजी फॉल्ट होता है, एलएल फॉल्ट होता है ना, लाइन फॉल्ट होके डबल एलजी फॉल्ट होता है, दो लाइन आपस में जुड़े और ग्राउंड से कनेक्ट हो गए, सॉरी दो लाइन आपस में जुड़े और लाइन से कनेक्ट हो गए, डबल एलजी फॉल्ट होता है, समझते हो ये चीज़, पक्का पता है ना। तीन लाइंस ऐसे जा रही हैं और दो लाइंस आपस में कनेक्टेड हो गए, कनेक्ट होने के बाद ग्राउंड से चली गई, तो उसे डबल एलजी फॉल्ट बोलते हैं, पता है ना तुमको। वही चीज़ यहाँ पे हुई है, रेजिस्टेंस यहाँ पे, रेजिस्टेंस यहाँ पे मेगाओमीटर में, और ये यहाँ पे शॉर्ट हो गए। शॉर्ट होने के बाद जो कंडीशन बनी वो अल्टीमेटली ग्राउंड के साथ डायरेक्टली शॉर्ट होते हैं, मेगाओमीटर में याद रखना ग्राउंड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, मतलब यहाँ पे जो वाइंडिंग होगी वो जीरो ओम देखने को मिलेगा, दैट इज लाइक दिस। तो मतलब सी ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट। समझ में आई चीज़ें, क्लियर हुआ क्या भी मैं बता रहा हूँ, क्लियर हुआ यहाँ तक चीज़ें, ओके। तो शॉर्ट को ग्राउंडेड नहीं बोल सकते, ठीक है, हाँ मतलब सही बोला, पर शॉर्टेड बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट कंडीशन है, मेगाओमीटर की कंडीशन में ग्राउंडेड परफेक्ट वर्ड आता है क्योंकि उसमें इंसुलेशन का ऐसा अरेंजमेंट होता है, इसलिए बोला जाता है। बोलो डन है कि नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन मेजर द रेजिस्टेंस हैविंग द वैल्यू ऑफ 1 ओम, ऐसा कौन सा है जो 1 ओम मेजर कर सकता है, जल्दी से बताओ मुझे, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। जनसंख्या डाउन कर देते हो ना भाई का ना, मोटिवेशन डाउन कर देते हो तुम लोग, पता है, फटाफट 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 बताओ जल्दी से। ये तो बहुत इजी है ना, 1 ओम से कम की वैल्यू को बोल रहा है तो मल्टीमीटर होगा और क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, क्या कहते हो, व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। मेगर तो नहीं होगा क्योंकि तुमको पता है आज की तुमने पढ़ा था, हाई रेजिस्टेंस में तुमने पढ़ के रखा है, है? अरे सर आज ही तो पढ़ा है, आज ही भुला दोगे क्या? कौन सा होगा, केल्विन डबल ब्रिज, लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए वोल्टेज एम्पियर मेजर, वोल्टेज एम्पियर मेथड, केल्विन डबल ब्रिज मेथड, और कौन सी मेथड होती है, कोई बताएगा मुझे लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए और कौन सी मेथड आप यूज़ करते हो, ठीक है, मेथड थी ना लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, कोई मुझे बताएगा लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। केल्विन चचा बहुत बढ़िया, वोल्टेज एम्पियर मेथड वो तो मैंने बता दिया, और कौन सी मेथड, रिविजन गड़बड़ा रहा है भाई, रिविजन गड़बड़ा रहा है आप लोगों का, गलत बात है, रिविजन गड़बड़ा रहा है। केल्विन डबल ब्रिज मेथड ये ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पोटेंशियोमीटर मेथड, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 का इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होता है, सी होता है, मेगाओमीटर होता है, बिल्कुल सही है ना, मेगाओमीटर इंसुलेशन रेजिस्टेंस में हम बोल सकते हैं, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस जो होता है एक्चुअली, पर इंसुलेशन से रिलेटेड बात करेंगे, दैट इज अ मेगाओमीटर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 इन अ मेगर कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड, कंट्रोलिंग टॉर्क किससे प्रोवाइडेड होता है, स्पेसिफिक रहना, इसमें जो ऑप्शन है वो आप इजीली लगा दोगे, पर मैं चाहता हूँ आप थोड़ा स्पेसिफिक बताना। कॉइल तो बिल्कुल सही है, मैं समझ गया, कॉइल तुम लोगों ने पढ़ा, कौन सा, करंट कॉइल या पोटेंशियल कॉइल, करंट कॉइल या पोटेंशियल कॉइल,
कॉइल करंट कॉइल या पोटेंशियल कॉइल, अरे यहीं पे गड़बड़ा रहे हो यार। अरे कॉइल तो सही है पर करंट कॉइल या पोटेंशियल कॉइल, करंट कॉइल या पोटेंशियल, बहुत बढ़िया, पोटेंशियल कॉइल। पोटेंशियल कॉइल कंट्रोलिंग प्रोवाइड करता है, कंट्रोल प्रोवाइड करता है, और सीसी डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है, याद रहेगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से आंसर बताओ। अननोन रेजिस्टेंस वैल्यू इज गिवन इन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, जब ब्रिज आपका क्या है बैलेंस्ड है तो आपको अननोन वैल्यू ये फाइंड करनी है, लेट अस से ये फाइंड करनी है। जल्दी से मुझे आंसर बता दो, बहुत बहुत ईजी है, जल्दी से मुझे आंसर बता दो, बहुत ईजी है, फटाफट फटाफट फटाफट। इसका तो आराम से बता सकते हो, 10 के आसपास आ रहा है। ए ए ए ए लेट मी चेक एग्जैक्ट आंसर क्या है, 10.2, 10.5 इनमें से कोई हो सकता है, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर इज ए, ठीक है, कैलकुलेशन है सिंपल, तो 20 × x, 15 × 17, ठीक है, 17 x की वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर हो गया, दैट इज़ अ 10.2, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17, मेगर इज एसेंशियली आपका क्या कहलाता है, मेगर जो है वो एसेंशियली आपका क्या कहलाता है, डायनमोमीटर कहलाता है या मेगा ओम मीटर कहलाता है, सीरीज टाइप ओम मीटर कहलाता है या शंट टाइप ओम मीटर कहलाता है। सीरीज एंड शंट टाइप ओम मीटर आपका ये जो है वो मीडियम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मेजर करने के काम आता है, ठीक है, तो ये आप रीड करिएगा, यदि आपको ये जरूरत पड़ेगी तो मैं अलग से लेके आऊँगा सीरीज एंड शंट, बट नॉट दैट मच रिक्वायरमेंट। आप बाकी बताइए कि आप लोग का आंसर क्या सही है। डायनेमो बोल रहा है सूर्यवंशी जी, सूर्यवंशी मूवी बहुत पसंद है क्या तुमको बेटा, ठीक है, वो सूर्यवंशी मूवी में था ना वो खीर खाता है तो सब कुछ हो जाता है उसको, है कि नहीं, सिद्धू बरक, दिस इज़ अ मेगाओमीटर, याद रखना, ठीक है, डायनेमोमीटर जिस बच्चे ने भी बोला है बिल्कुल सही है, इट इज़ बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल, पर मेगर एक्चुअली क्या है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मेगर क्या है आपका मेगाओमीटर है, और कई बुक्स में तो मेगर को ऐसे करके मेगाओमीटर लिखा जाता है, ठीक है, तो दो लगभग दोनों सेम बोला जाता है, बट कभी हमेशा याद रखो दोनों के हल्का फुल्का फंक्शनिंग अलग है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है मेगर जो होता है ना, मेगर जो होता है आप ऐसा बोल सकते हो, उसमें एक जनरेटर लगा हुआ है प्लस आपका मेगाओमीटर लगा हुआ, आप ऐसा समझ सकते हैं, मेगाओमीटर लगा हुआ है, समझ में आया, एक जनरेटर लगा हुआ है और साथ ही साथ मेगाओमीटर लगा हुआ है, मैक्स दीवाना बना दे फिर खिला के ठीक है, हाँ सही बोला, याद आ रहा है, जनरेटर और मेगाओमीटर, अब समझ में आया, क्लियर है ना। मेगर क्या होता है, एक जनरेटर या बैटरी ऑपरेटर रहता है, हैंड ड्रिवन और बैटरी ऑपरेटर रहता है, मतलब जनरेटर रहता है, बगल में क्या होता है मेगा, वो जो कॉइलिंग वाला सिस्टम है दैट इज अ मेगाओमीटर, क्लियर है यहाँ तक। चलिए लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 18, इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द कंडक्टिंग अ टेस्ट वायर इंस्टॉलेशन, यदि हम वायर का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं है ना, वायरिंग वगैरह यदि बिछाते हैं तो उसमें हमको टेस्टिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो स्क्रू ड्राइवर, टेस्ट लाइट, मेगर या प्लायर, इनमें से कौन सा यूज करते हैं, जल्दी से। मेरा कास्ट नेम सूर्यवंशी है, ओके ओके बहुत बढ़िया भाई, चलिए मेगर 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 बिल्कुल सही है। मेगर का काम क्या है, हाई रेजिस्टेंस को मेजर करना, रिले केबल्स का इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करना, टेस्टिंग के लिए आपका यूज़ किया जाता है, कि मान लो कि कहीं वायर बिछी हुई हो, कहीं पे फॉल्ट आके रखी है, तो आपको यदि वो देखते नहीं अंदर घरों के अंदर जो वायरिंग वगैरह का सिस्टम होता है, तो उसमें है ना वो ऐसे तार निकाल के अंदर से, ठीक है, क्योंकि इनसाइड है ना वॉल के अंदर आजकल माउंटिंग होती है ना, पूरा एक सिस्टम गोल गोल बैठा के उसके अंदर वायरिंग डाली जाती है, मान लीजिए कहीं पे इंसुलेशन फेलर हो गया तो वो आगे दिक्कत दे सकता है इन फ्यूचर, इसीलिए ये मेगर वगैरह का यूज़ किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेगर, मेगर का इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, मेगर का इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, जल्दी से मेगर का इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, क्या बोल रहा है, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेगर, मेगर का इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, जल्दी से बताओ। इसका तो बेटा आंसर सही दे दोगे, चेक कर सकते हैं, यस कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही, अल्टीमेटली वही काम होता है, ठीक है, बोथ बोथ बोथ, बिल्कुल सही, बोथ ऑफ द अबव, मैंने बताया ना मेगर जो होता है वो एक्चुअली आपका मेगर जो होता है वो एक तो यहाँ पे जनरेटर हो गया और एक यहाँ पे कॉइलिंग का सिस्टम इस तरीके से लगा होता है, ठीक है, ऐसे कॉइलिंग का सिस्टम लगा होता है, ठीक है, एक सीसी हो गई और एक पीसी, मतलब इस तरीके का कनेक्शन है, ठीक है, और ये अरेंजमेंट होता है, तो ये मेगाओमीटर कहलाता है और ये आपका जनरेटर है ना कहलाता है, या तो आप बैटरी ऑपरेटेड हो सकता है या फिर आपका क्या हो सकता है, हैंड ड्रिवन हो सकता है, जिसमें प्राइम मूवर को
ऐसे 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 घुमाते हैं, और फिर बाद में जितना घुमाओगे उसके द फ्लक्स कट्स फेराडेज लॉज के अकॉर्डिंग आपको वो मिल जाएगा, वोल्टेज वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। सो 19 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, जल्दी से बताओ क्वेश्चन 19 क्वेश्चन हुए, कोई ऐसा है जो 19 में 19 कर पाए हो? 19 में 19 कर पाए हो? कोई ऐसा बच्चा है जो 19 में 19 आज दबा के बिल्कुल किया हो? बताओ जल्दी से। केदारनाथ का भक्त 160 RPM 500 वोल्ट 19 में 9 गलत। अरे बाप रे, थोड़ा इम्प्रूवमेंट अब हमें करना पड़ेगा, है कि नहीं? मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि आपके कम आए जा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ब्लेम वेम नहीं करेंगे, करना क्या है। मैं अपने एंड से थोड़ा सा और नेक्स्ट टाइम से एक्सप्लेन अच्छा करूँगा, है ना, और ट्राई करूँगा कि समय के साथ आपको और चीज़ें अच्छे करा सकूँ। ठीक है, आप अपने एंड से क्या करिएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर और बैठिएगा, पेन पेपर लेके बैठिएगा, सो दैट चीज़ों को लगे हाथ रिवाइज कर सकें। ठीक है, दोनों का टारगेट फिक्स हो गया, 5 नहीं हुआ, 2 रॉन्ग, 15 आ रहे हैं, किसी के 17 आ रहे हैं, केदारनाथ के भक्त के 19 आ रहे हैं। न्यूमेरिकल वीक है सर आपका, सही है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वीक है तो हम सुधारेंगे ना, सुधारेंगे तभी मज़ा आएगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सबकी एनालिसिस हो रही है। अब इसमें यदि कोई बुरा मान के बैठ गया, पोगो वाला, यदि पोगो और कार्टून नेटवर्क वाला कोई बच्चा है जो इस चीज़ को दिल पे लगा के बैठ गया कि हमको तो ठीक है बुरा बोल दिया ऐसा कुछ, तो ठीक है, बिल्कुल पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं आप लोग को। ठीक है, हमें क्या करना है, चीज़ों को एनालाइज करना है। आज यदि मेरे 10 नंबर आए हैं तो कल 15 आने चाहिए, अगले दिन पूरे आने चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए। ठीक है, क्या कहते हो बताओ, कल के लिए पूरा आएगा कि नहीं आएगा? पहले मुझे जल्दी से प्रॉमिस करके पूरा जोश दिखा दो, बोल दो कि कल 100% पूरा आएगा। पूरा मतलब 20 है तो 20/20 आना चाहिए नेक्स्ट क्लास में। किसी बच्चे ने 19 किया, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन केदार भाई। सुमित राज के 16 आए, बहुत बढ़िया। अंसारी के 15 आए, बहुत बढ़िया। विशाल मित्तल के 18 आए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ठीक है, बहुत बढ़िया है आप लोग। ठीक है, पर मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा, विशाल मित्तल 18 आया, 19 करना है। जिसके 16 है उसको 19, मतलब 20 में 20 करना है, पूरा करना है। ठीक है, मज़ा आया कि नहीं आया? सर्कल पूरा ना, 100% पूरा ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। जोश इज वेरी हाई, बिल्कुल 100% रखना है दोस्त, है ना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, अभी थोड़ी देर में PDF अपडेट कर देता हूँ, और इस टेलीग्राम की जो लिंक है वो ऊपर आपको पिन करके दी हुई है। सो दोस्तों, दिस इज़ ऑल अबाउट माई सेशन। कैसा लगा फटाफट बताओ, कैसा लगा? इतनी मेहनत की है, लगातार चिल्लाएं भाई, लगातार 2 घंटा चिल्लाना इज़ नॉट ए ईजी टास्क, है ना। पूरा ये जो गला है ना पूरा पेन करने लगता है। तो बस पूछ रहे हैं हम, कैसा लगा? कल का टॉपिक सुबह मैं 10 बजे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, मोस्ट प्रॉबेबली मैं पता है क्या रखूँगा, ब्रिजेस वाला रखूँगा, नहीं तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी रख सकता हूँ, बट आई विल अपडेट इन मॉर्निंग। मज़ा आया? बिल्कुल 100% पूरा मेजरमेंट कंप्लीट होगा। 3 लेक्चर हुए हैं, दो चैप्टर खत्म हो चुके हैं, समझ लो कितनी बढ़िया स्पीड चल रही है। आगे आने वाले में भी तुमको बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस मिलेगा। सुबह 10 से 10:30 बजे मैं अपडेट करूँगा, ठीक है, वीडियो के फॉर्म में कि आज कौन सा टॉपिक लिया हूँ। प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, और सेशन के पहले 1 से 1.5 घंटा रिवाइज़ कर लीजिएगा टॉपिक को। जितना आता है नहीं आता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम देखेंगे मस्त तरीके से उसको और अच्छे से लेके चलेंगे। डीएफसीएल में टाइप्स ऑफ डीसी एनर्जी मीटर पूछा था, DFCCIL में टाइप्स ऑफ डीसी एनर्जी मीटर पूछा था, हाँ कल उसका डिस्कशन है डियर, आप लोगों को कल और अच्छे तरीके से आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, कल उसका डिस्कशन है। हाँ, एक चीज़, जो भी DFCCIL का बच्चा ने पेपर दे के आया था ना, है ना, वो कल क्या करना, सुबह 10 बजे से हैं, 10 बजे से 2 PM तक है, तो पूरा डिस्कशन हम कल वहीं करेंगे, तो आप लोग के जो भी डाउट हो गए आप इजली पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ द डीसी एनर्जी वो क्वेश्चन नहीं कर पाया था, कोई दिक्कत नहीं है। कल आप एसी ब्रिज टोटल एसी ब्रिज करा दें, पक्का पढ़ के आओगे। आप लोग बता दो कल कौन सा टॉपिक करें, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट करना है या एसी ब्रिजेस करना है? एसी ब्रिजेस में ठीक है, इंडक्टेंस वाला एक दिन में पूरा करा दूंगा, इंडक्टेंस से रिलेटेड पूरा करा देंगे। ठीक है, कल 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी। सर मेजरमेंट बहुत गलत हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, इम्प्रोवाइज़ करेंगे, अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन आने वाले, उदास होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लगे हुए हैं, आप भी लगे रहिए, ठीक है, बेटर रिजल्ट मिलेगा, बेस्ट मिलेगा। ठीक है, एसी ब्रिजेस कह रहे हो, पहले इंस्ट्रूमेंट करा दें सब, एसी ब्रिजेस PMMC MI, ठीक है, ओके,
चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में रीडिंग से रिलेटेड करा दीजिए डियर। अभी है ना थोड़ा सा चैप्टर वाइज चलेंगे, डिजिटल मीटर लास्ट में आता है एक्चुअली, तो मैं उस टाइम ले लूँगा है ना। पहले अभी सब एनालॉग वगैरह से बात करेंगे एंड एट द लास्ट हम डिजिटल से बात करेंगे। तो 5 से 6 क्लास बाद आपको वो भी दिख जाएगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट करा दे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट पहले करा देंगे, ठीक है। तो कल हमें कुछ बढ़िया सी चीज़ लेके आऊँगा, सुबह अपडेट कर दूँगा। सो दोस्तों थैंक यू सो मच, आपको यदि मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा कि उनको भी पता लगे कि आरजे सर है ना यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। आरजे सर आ चुके हैं और आरजे सर डेली मेजरमेंट आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, आप लोगों के लिए ट्राई कर रहे हैं। सो आई नीड द बेटर एंड है ना बिगर इंगेजमेंट जो डेली मुझे मिलना चाहिए, आई एक्सपेक्ट। और आप लोग भी थोड़ा सा ना इस चीज़ को ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने भाव प्रकट जरूर करके जाइएगा, कैसा लगा मेरा सेशन, मज़ा आ रहा है, ठीक है। ज़्यादा एसी इंपॉर्टेंट है, यस डियर, ज़्यादा एसी इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया, ठीक है। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो, बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस।